अल्लाम जी कैसे हैं आप सब लोग वालेकम जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्लाह का शुक्र है आप लोग कैसे हैं अपनी अटेंडेंस मार्क कर लें और अटेंडेंस मार्क करने के बाद जो है इग्नॉलेज कर दें देन हम क्लास स्टार्ट करते हैं ओके okay, आप लोग प्लीज साथ साथ जैसे ज्वाइन करते जाएं आप लोग अपनी अटेंडेंस मार्क करते जाइएगा ठीक uh, uh, है Okay, आ, आप लोगों को जो अभी मैं टॉपिक करवा रही हूँ ब्लॉगिंग के हवाले से आ, आज भी उसको हम इंशाल्लाह जो है वाइंड अप करेंगे आगे फर्दर हमने एस यू का जो पार्ट है उसको हम आगे ऐड करेंगे इसमें और उस पर ही इम्प्लीमेंट करेंगे कि आप लोगों ने अगर वे वेबसाइट बनाई है ब्लॉग क्रिएट किया तो अब उसको रैंक कैसे करवाना है आपने और एक और चीज यहाँ पे मैं मैंशन करना चाहूंगी ऑलमोस्ट मोर देन जो है वो आ, फिफ्टी परसेंट जो हमारा कंटेंट था वो हम हाफ से ज्यादा कंटेंट जो है वो वो ऑलमोस्ट हम अपना जो कोर्स का कंटेंट था कंप्लीट कर चुके हैं तो आप लोगों ने बहुत सारे बच्चे जो इस टाइम पे फ्रीलांसिंग भी कर रहे हैं आप लोग अर्निंग्स uh, भी कर रहे हैं तो वो बच्चे जो काम कर रहे हैं और जो अदर वे अर्निंग कर रहे हैं uh, वो प्लीज अपनी अर्निंग डिटेल्स भी जो है वो साथ साथ मेरे साथ शेयर करते रहा करें uh, ताकि मैं आगे फर्दर जो है वो अपडेट करती रहू Uh, बिल्कुल uh, सभा मैंने आपसे और बाकी सब स्टूडेंट से भी यही कहा था जब मैंने स्टार्ट करवाया था आप लोगों को वेबसाइट का टॉपिक तो उसमें मैंने स्टार्ट में जो है वो आप लोगों को uh, एक फ्री होस्टिंग और डोमेन का वो हर चीज वो करवाने का मकसद जो था वो आप लोगों को क्लाइंट के लिए जो है वो प्रिपेयर करना था कि क्लाइंट का, का काम कैसे करना है आपने या फिर अगर आप इंडिविजुअल अपनी uh, डोमेन और होस्टिंग पे काम करते हैं तो देन आपने किस तरह से काम करना है जबकि ये और ब्लॉगर जो है ये दोनों बहुत ही ज्यादा इजी वे हैं बहुत ही आ, आ, कहते हैं ना आसान से आप लोग काम कर सकते हैं इस पे और बिल्कुल अगर आप इसको देखें तो उसका करवाने का मकसद इस टाइम पे ये है कि आप लोग आपको वो चीजें करवाई जाए जो आपको समझ में भी आए और आप उसको इजिली उस पे आगे पर आगे फर्दर इम्प्लीमेंट भी कर सकें लेकिन जब आपने क्लाइंट का काम करना है तो वो कभी भी आपको ब्लॉगर या फिर वर्डप्रेस पे नहीं काम करवाएगा वो वो अपनी वेबसाइट पे करवाएगा तो उसका भी आपको आइडिया हो गया डैशबोर्ड का कि वर्डप्रेस का डैशबोर्ड कैसे होता है प्लगइन्स क्या होते हैं उनको कैसे यूज किया जा सकता है तो वो एक इंटरफेस का सिर्फ और सिर्फ आपको करवाने का मकसद है ताकि आपको मिलियर हो जाए अच्छा जी वेबसाइट को और ब्लॉग को आपने जो है उसका यूज आप पे डिपेंड करता है कि आपने अभी अगर आपने दोनों चीजें बनाई हैं तो आपको दोनों का आइडिया हो क्या होगा ठीक है और यहाँ पे जो ज्यादा चीजें करवाई जा रही है वो सिर्फ इसलिए करवाई जा रही ताकि आप लोगों को जो है वो बेहतर तरीके से आइडिया हो जाए कि कैसे आपने काम करना है किस तरह से जो है वो आपने चीजों को लेके चलना है आगे फर्दर और बाकी जो है आप पे डिपेंड करता है आप क्या करना चाह रहे हैं आप ब्लॉग को रन करना चाह रही हैं आप वेबसाइट को लेके चलना चाह रही हैं आपका बिजनेस जो है वो जो वेबसाइट पे आप उसको लेके चलना चाह रही हैं या फिर आप सिर्फ और सिर्फ एक ब्लॉगिंग स्टार्ट करना चाह रही हैं किसी भी एक टॉपिक पे ब्लॉग ऐड करना चाह रही हैं तो देन आप उस चीज को लेके चल सकती हैं अच्छा बेटा आपके मुझे बिल्कुल मिले थे मैंने रिस्पांस नहीं किया था क्योंकि जो मुझे आपने स्क्रीनशॉट भेजे थे ना वो आपने सिर्फ और सिर्फ मुझे उस चीज़ के भेजे थे जिसपे आपकी जहाँ पे आपकी, आपकी गिग शो हो रही है मुझे आपने वो वर्ड्स नहीं भेजे थे आप फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ अगर आप इस टाइम पे थोड़ा सा फॉलो करो मेरी बात को आपने मुझे स्क्रीन जो है वो बिल्कुल भी मीनिंगफुल नहीं थे मेरे लिए दैट्स मैंने उस पर रिस्पॉन्स नहीं किया मैं आपको अगेन बता देती हूँ सिंपल आपने क्या करना है यहाँ पर ये जो ये वाला टैब है सर्च टैब है इसके ऊपर जब आप कोई वर्ड लिखते हैं फॉर एग्जाम्पल आप लिखते हैं एस ठीक है आपने जिस वर्ड के साथ सर्च किया ऊपर ये रिजल्ट फॉर एस आ रहा है ना ये वाला स्क्रीन शॉट लेके भेज रहे मुझे कि आपकी पहले पेज पे आ रही है सेकेंड पेज पे आ रही है लेकिन किस की वर्ड के एंगेस्ट आ रही है किस कॉन्टेंट के थ्रू आ रही है वो मुझे आपने भेजना है ये वाला स्क्रीन शॉट ठीक है ना यानी कि इस स्क्रीन का स्क्रीन शॉट लेके भेजना है आपने मुझे यहां से भेजा हुआ था तो मुझे वो आपका तो मुझे पता है आपने वो मुझे दिखा दिया लेकिन वो किस की रिजल्ट शो हो रहा था वो मुझे नहीं पता चल रहा था दैट्स मैंने रिप्लाई नहीं किया आपको आप मुझे दोबारा करके जो है वो काइंडली भेज देना देन मैं आपको उस हवाले से बता दूंगी अः ऐसे ही होते हैं आप लोग क्योंकि आप लोगों के लिए ये अः टॉपिक बिल्कुल न्यू है आप में से बहुत सारे बच्चे डिफरेंट डोमेन्स में से डिफरेंट सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स रहे हैं आप लोगों को इन, इन सारी चीजों को समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा आप लोगों को आ, इवन मैं आ, बार बार एक बात कहती हूँ कि हमारा मकसद आप लोगों को ना सिर्फ एक स्किल प्रोवाइड करना है बल्कि आप लोगों को सोचने में मजबूर करना भी है आप लोगों को श... चीजों के बारे में सर्च करने पे मजबूर करना भी है कि आप लोग सोचना शुरू करें आपका जो फ्री टाइम होता है अब यहाँ पे दस चीजें करवाई जाती है उसमें से शायद हर, बच्चा जो है वो दस की दस चीजें नहीं कर सकता या उन सारे नहीं कवर कर सकता अगर आप एक पॉइंट को भी कवर कर लेते हैं तो आपका जो है एक कोटा जो है ट्रेनिंग का जो है वो आप कही कहीं ना कहीं फुलफिल हो जाता है तो उस चीज को आप लोग भी अपनी साइड पे क्या करें और चीजों को समझा करें अभी मैं आपको ये ब्लॉगर का जो है ये करवाऊंगी उसके साथ साथ वर्डप्रेस का जो है WordPress.com डॉट कॉम पे जो मैंने आपको बताया था बहुत इजी है इसको आप देख सकते हैं यहाँ पे ये यह सारे ऑप्शंस हैं हर चीज के बारे में बहुत डिटेल में इंफॉर्मेशन जो है वो आप लोगों को मिल जाती है मैं यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करी हूँ कि ये टॉपिक जो है एस में भी मैंने अब आप, आपको आगे फर्दर बताना है कि किस तरह से आप इन पे काम कर सकते हैं और ब्लॉगर के हवाले से मैं बार बार एक बात कह रही हूँ वो बच्चे जो अर्निंग करना चाहते हैं चाहते हैं कि हमारी वेबसाइट पे जो है वो गूगल एडिसन जो है वो अप्रूव हो जाए तो वो बच्चे अगर किसी फ्री डोमेन या होस्टिंग पे काम कर रहे हैं तो अगर वो ब्लॉगर के अलावा किसी और पे काम करें तो वहां पे आपका एडिसन कभी भी अप्रूव नहीं होता लेकिन ये ब्लॉगर जो है क्योंकि ये गूगल का ही प्लेटफॉर्म है गूगल के अगर आप यहाँ पर जाए आपके जीमेल अकाउंट भी गूगल एप्स का ऑप्शन होता है ठीक है तो इसमें अगर आप आते हैं तो ये ब्लॉगर का ऑप्शन भी होगा ठीक है इसका मकसद क्या है कि आप यानि कि आप आप लोग यानी यहां से गूगल एडसन भी जो है वो भी गूगल का ही है और ये ब्लॉगर भी गूगल का ही है प्लेटफॉर्म दट तक ये इस पे अलाउ करता है कि आप अगर अच्छा कंटेंट ऐड करते हैं अच्छी वेबसाइट बना लेते हैं ट्रैफिक आ रही है आपके ब्लॉग पे तो आप इससे अर्निंग भी कर सकते हैं तो अर्निंग का यहाँ पे ऑप्शन भी है तो ये आप इसमें क्रिएट करके आप इसमें अपना वो एड्स भी लगवा सकते हैं मकसद इसपे एड्स का है या चीजों का है उसके लिए आपने क्वालिटी कंटेंट जो है वो ऐड करना होता है उसके विदाउट उसके तो नहीं होगा चीजें अच्छा जी बेटा आपने मैं आपको बताती हूँ सबसे पहले सब यहाँ पे अगर आपने लास्ट एक बैच में बच्चा था एक था एक स्टूडेंट जिसने जो है वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो है ब्लॉग क्रिएट किया उसने स्पोर्ट्स से रिलेटेड डिफरेंट प्लेयर्स के जो है करियर के हवाले से और इस तरह की चीजों के, के हवाले से जो है वो खुद से कंटेंट क्रिएट करके पोस्ट ऐड की और उसकी ऑलमोस्ट जो है वो एक वीक की जो ट्रैफिक थी वो सिक्स हंड्रेड अबब थी सिक्स हंड्रेड अबब लोगों ने उसका ब्लॉग पढ़ा ब्लॉगर पे उसने अकाउंट बनाया ब्लॉगर पे यानी कि उसने जो है अपना यहां पर अपना अकाउंट ब्लॉक क्रिएट किया और थीम ऐड के थिंक कर, ऐड करने के हवाले से भी मैं आपको बता देती हूं अभी मैंने कल जो आपको कराया था बहुत ही बेसिक सा था आ, लेकिन इसमें एडवांस जो ब्लॉक्स होते हैं आ, वो भी आप ऐड कर सकते हैं वो मैं आपको तरीका का भी बताऊंगी हर चीज बताऊंगी कि इसके ऊपर एक अच्छी वेबसाइट बन सकती है आप इसके ऊपर अच्छी वेबसाइट बना के उसके ऊपर आप काम कर सकते हैं आप उसको आगे फर्दर जो है अपने अर्निंग परपस के लिए यूज कर सकते हैं और कंटेंट जो है वो आपने खुद क्रिएट करना है ऐसा नहीं है कि आपने कहीं से भी कॉपी करके ऐड कर लेना है अगर आप कॉपी करके ऐड करोगे तो उस पर जो है वो एक तो ट्रैफिक नहीं आएगी दूसरा कॉपी राइटू हो जाएंगे ठीक है चलो बेटा थैंक यू आपको समझ आ गई है और आपने क्योंकि मुझे था रिप्लाई में मैं आपको किस तरह से गाइड कर दी आपको समझ नहीं आना था दैट्स देट में रिप्लाई नहीं कर रही होती हूँ तो क्योंकि मुझे आपका यहाँ तो चीज समझ भी नहीं आ रही होती फील यार इसको जो है ना मैं आपको टॉपिक जो है ये या ये जो बात है ये मैं आपको ड्यूरिंग क्लास समझा दू तो ज्यादा बेहतर हो जाएगी टाइम भी सेव हो जाएगा और आपको चीजें समझ में भी आ जाएंगी अच्छा जी मैम वेबसाइट और ब्लॉग दोनों में डाटा कैसे शो होता है अच्छा जी सबसे पहले बेटा मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे ब्लॉग का मैंने आपको बताया था कि ब्लॉग में किस तरह से जो है वो चीजें शो हो रही होती हैं अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे थीम्स में आप जाते हैं ठीक है ये थीम्स हैं ठीक है फॉर द टाइम यहां पे ये थीम्स जो है ना ये शो नहीं हो रहे हैं। यहां पर जिस तरह से ये एक थीम है ठीक है ये अगर आप इस थीम को देखो <coughs> यहां पर ये यह थीम अगर आप देखें तो इससे क्या आपको आइडिया और कॉन्टेक्ट है और ऊपर सोशल मीडिया है व्हाट वी डू आर है सर्विसेज में ठीक है उसके बाद यहाँ पे एक नंबर शो करवा दिया है ये एक स्टील दे रहे हैं आपको वेबसाइट की एक बिजनेस है जो कि फार्मिंग से रिलेटेड है और उसमें वेजिटेबल्स वो डिलीवर कर रहे हैं तो वो उसमें यहाँ पे एक ये थीम है एक तरह से ठीक है ना ये वर्डप्रेस WordPress का wordpress.com डॉट कॉम पे अगर आप जाए तो वहां पे आपको ये मिल जाते हैं ये एक वेबसाइट का देर है अब यहीं पे मैं आपको एक और थीम दिखाती हूं अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम सर्च uh, कर लेते हैं और यहाँ पे आप देखें तो ऑल भी है फ्री थीम्स भी है और इस तरह से जो है वो आपको सारे थीम्स मिल जाते हैं और आप यहाँ पे ब्लॉग लिख के सर्च कर लें तो आपको जो है वो ब्लॉग से रिलेटेड जो आ, थीम्स है वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे ठीक है लाइव डेमो पे क्लिक करें तो यहाँ पे आपको लाइव डेमो इसका मिल जाएगा ये भी जो है ये वेबसाइट का थीम ही लग रहा है मुझे ओके okay, अब ये जो थीम है इसमें ये ओके okay, अब यहाँ पर देखें तो ये इसमें न्यूज का सेक्शन है जिसमें ये आ रहा है और ये होम है ये ब्लॉगिंग से ही रेलिवेंट है और मजीद आप यहाँ पे देख सकते हैं तो इस तरह से जो है वो आपने थीम खुद सेलेक्ट करना होता है ये ब्लॉगिंग का थीम है ठीक है तो इस तरह से यहाँ पे आपकी पोस्ट हो जाएंगी और ऊपर जो है ये आपकी जो कैटेगरीज हैं ये आ जाएंगी तो एक सिंपल सा एक वेबसाइट जो है वो आप बना सकते हैं ब्लॉगिंग की भी और उसके अलावा जो है अगर बिजनेस वेबसाइट बनानी है तो वो आपने उससे रिलीवेंट जो है वो आप कर सकते हैं कुछ भी ऐसे बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है चीजें बहुत इजी होती हैं यहाँ पर अगर आप ये थीम्स वगैरह यूज करें और आपको खुद आइडिया हो जाता है जब आप काम करते हैं ओके फाइन अच्छा है टॉपिक है पॉलिटिक्स से रिलेटेड अगर आप करना चाह रहे हो तो अच्छा है आप इसको आगे करो इसमें बहुत ज़्यादा कंटेंट होता है और उन चीज़ों को आप आगे फर्दर लेके चल सकते हो आ, बेटा अगर आप एक सीक्वेंस से क्लास लोगे तो आपको ऑब्वियसली चीज़ें समझ में आएंगी और अगर आप सीक्वेंस क्लासेस नहीं लोगे तो आपको इस तरह के इश्यूज फेस करना पड़ेंगे तो मैं आपको यही कहूंगी कि आप प्लीज इस चीज को थोड़ा सा समझो इसको टाइम दो एंड देन आपको चीजें समझ में आएंगी वरना ये चीजें ऐसे ही आपको भी डिस्टर्ब करेंगे आप जो है वो बार बार क्लास में इस तरह से क्वेश्चन करोगे तो जो बाकी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी थोड़ा सा जो है वो इशू होगा अः uh, मुझे वेबसाइट और ब्लॉगिंग का डिफरेंस समझ में नहीं आ रहा वेबसाइट जो है वो बिजनेस रेलिवेंट होती है जिसपे आपने अपने बारे में अपने बिजनेस के बारे में जो है वो बताना होता है और जो ब्लॉग होता है उसमें आप न्यूज जो होती है या किसी एक टॉपिक से रेलिवेंट जो मालूम होती है इंफॉर्मेशन होती है वो आप शेयर कर रहे होते हैं ठीक है अच्छा आपने ये दो लेटर मिस किए हैं आ, तो आप किसी से नोट्स वगैरह ले लो एंड देन उसको कवर कर लो ज्यादा बेहतर है आपके साथ अगर किसी के पास नोट्स हैं आ, लास्ट वेन्स्डे और थर्सडे के तो प्लीज इनके साथ शेयर कर दें अच्छा जी यहाँ पे अगर आप देखें तो ये हमने अभी इस पे इम्प्लीमेंट किया है थीम और देन उसके बाद जो है यहाँ पर हमारे पास ये फर्दर जो है इसमें चीजें आ रही हैं जिसको हम आगे फर्दर जो है कस्टमाइज कर सकते हैं उसके अलावा यहाँ ब्लॉग की मैं बात कर दू ब्लॉग के हवाले से आपको बता दू और ये मैं बैनर रिमूव कर रही हूँ ताकि आपको स्क्रीन स्क्रीन जो जो है है वो वो इस पे फुल स्क्रीन जो है वो आपको यहां पे फुल आपको शो अच्छा जी सबसे पहले तो यहाँ पे आपने ब्लॉग ब्लॉगर पे आके जब अकाउंट क्रिएट कर लेना है ब्लॉग क्रिएट कर लेना है उसके बाद प्लस यहाँ पे न्यू क्रिएट न्यू पोस्ट पे आप क्लिक करके पोस्ट कर सकते हैं अगर आप पेजेस पे जाएंगे तो न्यू पेज करके जो है यहाँ पे एक और पेज क्रिएट कर सकते हैं पेज का आप सिंपल पर नेम ऐड कर दें ठीक ठीक है है अबाउट अस और इसको पब्लिश कर दें थीके? अब ये आपका जो है यहाँ पर आ जाएगा अभी मैं आपको लिंक करना भी सिखा दूंगी कि आपने किस तरह से लिंक करना होता है अपने पेज को अपनी वेबसाइट के साथ और वो सारी चीजें ठीक है सिंपल पोस्ट कैसे ऐड करनी है ऐड न्यू पोस्ट पे क्लिक करके आपने यहा आना है यहाँ पे टाइटल ऐड करेंगे बाकी नीचे जो है वो आपका कंटेंट आ जाएगा पब्लिश कर दिया। ये पोस्ट आ गई, पेज आ गया स्टैट्स पे अगर आप क्लिक करते हैं तो यहां पर ऑल टाइम यस्टरडे, दिस मंथ लास्ट मंथ ये इसके ऊपर ये आईज का आइकॉन आ रहा है इसका मतलब व्यू कि कितने लोगों ने आपको आपके ब्लॉग को व्यू किया है ऑल द टाइम आज कल एंड देन इस महीने में लास्ट मंथ में जो है लोगों ने कितने लोगों ने इसको व्यू किया है कितने लोग यानी कि ट्रैफिक कितनी आई है वो आपके पास यहाँ पे ये यह स्टैट्स होते हैं उसके बाद आ, फर्दर जो है ये बंद पोस्ट आ रही है जीरो कमेंट आ रहे हैं फॉलोअ जीरो आ रहे हैं अभी फॉर द टाइम नहीं है जब आप अच्छा कंटेंट ऐड करते हो आप एक सीक्वेंसली काम कर रहे होते हो तो फिर कमेंट्स भी यहाँ पे आएंगे लोग फॉलो भी करेंगे और वो सारी चीजें जो है वो यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं अच्छा जी अब यहाँ पर कमेंट्स का जो है फॉर द टाइम यहाँ पे कोई भी नहीं होंगे वैसे आपके पास यहाँ पे ऑल कमेंट आ रहे होते हैं जो आपके डिफरेंट पोस्ट पे लोग कर रहे होते हैं आप यहाँ से उन कमेंट्स को हाइड भी कर सकते हैं डिलीट भी कर सकते हैं रिमूव भी कर सकते हैं जो भी आपने उसको करना है अप्रूव कर सकते हैं कि शो हो नहीं हो वो सारा कुछ जो है वो आप यहाँ से मैनेज कर रहे होते हैं उसके बाद अर्निंग का यहाँ पे जो ऑप्शन है इसमें आपने गूगल एडिसन जो अकाउंट होता है उसको यहाँ पे लिंक करना होता है और उसके बाद जो है ये अगर आपकी ब्लॉग क्वालिटी ब्लॉग होगा इसकी पॉलिसी आप पढ़ सकते हैं कि किस तरह से जो है यहाँ पे अगर आप देखें हाउ टू एड यूजर टू यहाँ पर जो अकाउंट uh, क्रिएट कैसे करना है उसको कंट्रोल कैसे करना है ये किस तरह से आपको पे करता है और इसकी पॉलिसी क्या है कि अगर वो गूगल यहाँ पे जो ब्लॉगर है उस पर अप्रूव करता है गूगल तो उसकी पॉलिसी क्या है उसकी क्या रिक्वायरमेंट है वो आप यूट्यूब पे भी आपको बहुत हेल्पिंग वीडियोस मिल जाती हैं और उसके साथ साथ आप इंटरनेट पे भी इसके जो है इससे रेलिवेंट जो ब्लॉग हैं वो आप पढ़ सकते हैं और उसको फॉलो करते हुए आप अपना कॉन्टेंट एड करें क्रिएट करें और लोगों के साथ शेयर करें एंड देन अगर आपकी ग्राफिक आती है क्वालिटी कंटेंट होगा तो ऑब्वियसली गूगल कर देगा और फिर आपकी अर्निंग है ले आउट पे जो है यहाँ पे लेआउट का जो ऑप्शन है अगर आप यहाँ पर देखें तो ये आपके बारे में जो सेक्शन है वो है जो कि अगर आप ब्लॉग के मैं आपको यहाँ पे व्यू ब्लॉग जो है उस पर क्लिक करती हूँ अभी फॉर द टाइम ये इस तरह से आ रहा है मैंने सिर्फ अभी एक पोस्ट ऐड की थी जिसमें कंटेंट वगैरह नहीं था इसलिए ये इस तरह से जो आ रहा है और यहाँ पर जो है ये प्रोफाइल आ रही है और तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये लेआउट का ऑप्शन आ रहा है ठीक है ना और ये सारे ऑप्शन है जो कि हमारे पास इस टाइम पे हमारे ब्लॉग पे शो हो रहे हैं और यहाँ पे देखें तो एड्स का भी आ रहा है गूगल एडसन अगर आप इस पर अप्लाई करते हैं तो वो आपके यहाँ पे इस लिस्ट के बाद जो है वो एड्स भी शो करवा देगा बाकी यहाँ पे हेडर का है आप एडिट पे क्लिक करें एडिट पे क्लिक करने के बाद जो है ये अगर आप देखें तो यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हैं यहाँ पे आपका टाइटल आ रहा है और अगर कोई आपने फाइल वगैरह ऐड करनी है इमेज वगैरह ऐड करनी है तो वो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं यहाँ पे अगर आप देखें पेजेस के आगे टॉप पे आपने पेजेस की लिस्ट अगर ऐड करवानी है तो वो आपके पास होम है अबाउट है जैसे कि ये मैंने ऐड कर दिया है तो आपने मजीद अगर कोई ऐड करना है वो भी आप कर सकते हैं इनपे आगे फर्दर जो है वो लिंक ऐड करने वो भी आप कर सकते हैं इसको सेव कर लें अब यहाँ पर जो क्योंकि हमारे पास जो इस टाइम पे हम थीम यूज कर रहे हैं उसमें ये ये हाइट है 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 वो पर पर जो जो ऊपर टॉप पे मेन्यू शो नहीं करवा रहा आपने नेक्स्ट इसके लेआउट के बाद जो है जो है पे थीम का ऑप्शन एक तो आपके पास कुछ यहाँ पर अवेलेबल थीम्स हैं जिनको आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं ऐड कर सकते हैं और फर्दर जो है मैं आपको ये भी बताती हूँ कि आपने अगर अपनी मर्जी से कोई और थीम यूज करना चाह रहे हैं यहाँ पे जो थीम है ये वैसे ये थीम भी बहुत अच्छे हैं इसमें अच्छे थीम्स हैं ऐसे थीम्स भी हैं जो कि आप अगर यूज करते हैं तो उस उसपे आप तो काफी अच्छे यानी कि उस पे भी आ रहा होता है और अगर आप इसके अलावा ब्लॉगर के कुछ थीम्स होते हैं जैसे कि वेबसाइट के थीम हो हैं के थीम्स से वैसे थीम्स भी आपके पास होते हैं आप उनको भी यूज कर सकते हैं तो सिंपल आपने जो है यहाँ से जो भी थीम उस पर क्लिक करेंगे उसको अप्लाई करेंगे तो आपका थीम जो है ये इस तरह से आ जाएगा अगर आप अभी देखें तो यहाँ पे ये आपका मेन्यू शो करवा रहे हैं ये मेन्यू आपके पेजेस आ रहे हैं और फर्दर ये आपकी इंफॉर्मेशन इसमें आ रही है और यहाँ पर आपका टाइटल आ रहा है यहाँ पे आपकी पोस्ट शो हो जाएंगी तो इस तरह से जो है वो आप ऐड कर सकते हैं उसके बाद यहाँ पर मजीद में आपको ये बहुत अच्छा एक है सिंपल आपने इस पर क्लिक किया कस्टमाइज पे अगर आपने करना है कस्टमाइज भी कर सकते हैं और अगर आपने इसको अप्लाई करना है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं अच्छा जी इस थीम को जो है वो पहले डाउनलोड करना पड़ेगा एंड देन आप इसको जो है वो अप्लाई कर सकते हैं ठीक है तो इस तरह से जो है ये आप इसमें मजीद जो है अगर आप देखें ये इससे फर्दर जो है जो ब्लॉग हैं वो आपके पास आ रही या आप इस तरह से ऐड कर सकते हैं अब यहाँ पे मैं आपको एक और चीज बताती हूँ जो कि एक ये तो बेसिक एक थीम है ब्लॉगिंग के जो कि आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं अगर आपने ब्लॉगर डॉट कॉम पे ही जो है एक अपना वेबसाइट बनानी है तो वो आप कैसे बना सकते हैं वेबसाइट के और अदर ब्लॉग के जो थीम्स हैं वो आप कैसे फाइंड कर सकते हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ अच्छा जी आ, मैंने जो आपको अभी दोनों चीजें बताई हैं ये दोनों ही बेहतर हैं आ, लेकिन अगर आप ब्लॉगर पे काम करते हैं तो वो ज्यादा बेस्ट है वो आप लॉन्ग टर्म लेके चल सकते हैं और वो आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट भी देता है आ, बाकी जो है आपको जो मैंने पहले चीजें करवाई थी आई नो वो थोड़ी सी मुश्किल थी लेकिन वो आप लोगों की आगे फर्दर जो आपने मार्केट में काम करते हैं आप क्लाइंट के साथ काम करते हो तो उसमें वो आपको थोड़ा सा बेनिफिट देता है Uh, बिल्कुल बेटा आप लोग जो है अगर आपने इस्लामिक जो है किसी टॉपिक से रेलिवेंट आप ब्लॉग क्रिएट करते हो और उससे खुद से कंटेंट ऐड करते हो तो ऑब्वियसली जो है उसमें कोई ऐसी इश्यू नहीं है बहुत अच्छी बात आप बनाएं और उस पर ट्रैफिक भी बहुत ज्यादा आ रही होती है और अभी मैं आपको यहाँ पे बेसिक जो थीम है आप वो भी यूज कर सकते हैं और उसके अलावा मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ कि अगर आप गूगल पे जाते हैं यहां से आप थीम एक अच्छा सा थीम सेलेक्ट करके वो भी आप ऐड कर सकते हैं उस पर भी आप काम कर सकते हैं कोई ऐसे इश्यू नहीं है ठीक है तो यहाँ पे आपने लिखना है ब्लॉगर वेबसाइट टैंपलेट या फ्री थीम्स आप ऐड कर लें ओके okay, अब मैं आपको यहाँ पे कुछ वेबसाइट्स बताती हूँ जिन वेबसाइट्स पे आप जाके जो है इस इन ब्लॉगर के जो टेम्पलेट्स होते हैं उनको आप कर सकते हैं अब मैं ये कुछ वेबसाइट्स यहाँ पे आपके साथ शेयर कर देती हूँ आपने इन्हीं वेबसाइट्स पे जाके जो है वो ये टेम्पलेट्स जो है वो लेने हैं यहाँ पे दो से तीन जो है वेबसाइट्स मैंने ओपन uh, की हैं और इन्हीं दो से तीन वेबसाइट्स को जो है वो आपने भी यूज uh, करना है ठीक है ओके ये वेबसाइट आपने यूज नहीं करनी है okay, यहाँ पे जो थीम है ये वर्डप्रेस से रिलेटेड है ये uh, ये नहीं है Uh, उसके अलावा ये वाली वेबसाइट जो है इस पर आप अगर ये थीम्स जो है ये आप यूज कर सकते हैं ब्लॉगर के लिए ठीक है उसके अलावा ये वेबसाइट है रेकमेंडेड वेबसाइट है जहां पे आपको ये सारे जो थीम्स मिल रहे होते हैं ये सारे थीम्स जो हैं ये आप यूज कर सकते हैं यूटिलाइज कर सकते हैं अपने uh, ब्लॉगर के वेबसाइट पे ओके okay, ये तो आपके पास ये वेबसाइट भी है ये ब्लॉग के कुछ थीम्स भी और मोस्टली uh, जो लोग काम कर रहे होते हैं ब्लॉगर पर और ब्लॉगिंग स्टार्ट करते हैं वो क्या कर रहे होते हैं वो मोस्टली यहाँ पर इनके ऐसे जो कोई वेबसाइट्स के लिए नहीं कर रहे होते मोस्टली वो अपने ब्लॉग के लिए कर रहे होते हैं लेकिन यहाँ पे बिजनेस जिस तरह से ये है ये वाली वेबसाइट है जिस पे आप लोग अपना पोर्टफोलियो की भी बात करते हैं तो पोर्टफोलियो जो है वो आप लोग इस तरह की वेबसाइट्स पे क्रिएट कर सकते हैं ब्लॉगर पे जो है एक वेबसाइट बना के जो है वो आप अपना उसमें पोर्टफोलियो एड कर दें उसके अलावा ये ब्लॉगिंग का है ये भी ब्लॉगिंग का एक थीम है तो यहाँ पर मैं फॉर द टाइम जो है एक ये थीम जो है मैं इसमें से डाउनलोड कर लेती हूँ फर्स्ट आपने क्लिक करना है ये एड है इसको आपने यहाँ से क्रॉस कर दें। ठीक है, ये आपके पास थीम आ गया है अब इस पे आ रहे, बाय का, का, का आ रहे, है लाइव व्यू का आ रहा है और उसके अलावा यहां पर डाउनलोड का आ रहा है ऑप्शन आप इसको डाउनलोड कर लें उसके बाद यहाँ पर आपने आना है ब्लॉगर पर और ब्लॉगर पर जो है अगर आप देखें अब यहाँ पर जो ये थीम आपके पास आ रहे है यहाँ पे कस्टमाइज का ऑप्शन है और साथ ही यहाँ पर एक ड्रॉपडाउन जो है वो इस पे आपने क्लिक करना है तो यहाँ पे बैकअप का आ रहा है रिस्टोर का आ रहा है तो आपने जो है यहाँ पर रिस्टोर पे क्लिक करना है और अपलोड पर क्लिक करके आपने जो डाउनलोड किया है थीम वो थीम जो है वो आपने यहाँ पे ऐड कर लेना ओके की जिप फाइल को अनजिप करने के बाद जो है वो आप इसमें कीजिएगा तो उसके बाद जो है मैं यहाँ पे बताती हूँ आपकी कौन सी फाइल जो है वो सिलेक्ट करनी है ओके okay, अब यहाँ पर अगर आपने जो फाइल डाउनलोड की होती है आ, उस डाउनलोड फाइल में से जो है वो आपने यहाँ पर एक्जिमल फाइल जो होती है वो आपने आ, करना होता है जो कि इसका फ्री वर्जन होता है ठीक है उसको आपने यहाँ पर अपलोड करना है यहाँ पे आप जब क्लिक करेंगे रिस्टोर के बटन पे क्लिक करना है और जो थीम आपने डाउनलोड किया है उस फाइल वो जिप फाइल होगी उस जिप फाइल को जो है वो अनजिप करना है और अनजिप करने के बाद जो है आपने further, उस उसपे उसमें से जो फोल्डर है उसमें से डॉट एक्जिमल फाइल जो है वो आपने यहाँ पर ओपन करनी है अब ये थोड़ा सा टाइम लेगा मैंने इस पे अपलोड कर दी है और उसके बाद जो है आप इसको देख सकते हैं ठीक है अभी यहाँ पे फॉर द टाइम यहाँ पे नहीं आ रहा बट इसको आप यहाँ पे रिफ्रेश करें ओके okay, अब यहां पे अगर आप देखें तो ये आपके पास जो है ये कुछ इस तरह से लेआउट आ रहा है जो कि हमने अभी इस पे फाइल अपलोड की है थीम ऐड किया है जो कि हमने यहां से जो है डाउनलोड किया था तो उसी तरह से ये यह यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे है। अब आपने इस पर डमी कंटेंट नहीं आता क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हम फीवर ऐड कर रहे होते हैं इसमें लेआउट आपको मिल जाता है बाकी के जो है यहाँ पर जो फीचर होती हैं चीजें वगैरह इमेजेस वगैरह वो यहाँ पे नहीं आती हैं तो वो आपने खुद से ऐड करनी होती हैं ठीक है थीके? तो ये आपके पास जो है ये इस तरह से आप मजीद इसमें चीजें ऐड कर सकते हैं यानी कि आपको एक टेम्पलेट आपको प्रॉपर मिल जाता है और फिर आगे फर्दर इसको लेके चलना जो है वो आपने उसको करना होता है तो वो आप इसमें कर सकते हैं तो आई थिंक तो आपको ये चीजें भी क्लियर होगी होंगी आप इसमें मजीद जो है एक बेसिक थीम के बजाय एक प्रोफेशनल थीम भी आप इसमें यूज कर सकते हैं आप लोगों को जो है यहाँ पर आ, जो है हमारे लैब मैनेजर हैं उन्होंने कुछ यहाँ पे आपके साथ यहाँ पे कमेंट्स किए हैं काइंडली आप सब लोग जो है इनको देख लीजिएगा और इस पे जो इंफॉर्मेशन है वो आप लोगों के लिए है प्लीज़ आप लोग जो है इन चीज़ों को फॉलो किया करें जो रूल्स हैं हमारे उसके साथ साथ जो आपकी अटेंडेंस का है उसको प्लीज़ आप लोग जो है डेली बेसिस पे मार्क किया करें ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एंड ऑफ द कोर्स जो है अगर आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा तो देन आप लोगों को भी बहुत ज़्यादा इश्यूज हो रहे होते हैं और हमें भी अच्छा नहीं लगता कि आप लोग अपनी अटेंडेंस को जो है वो आप कोशिश करें कि आपकी 80 जो होनी चाहिए तो वो नंबर आप जो है परसेंटेज को मेंटेन रखा करें और डेली बेसिस पे अपनी अटेंडेंस मार्क किया करें आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स के जो है वो uh, नंबर ठीक नहीं होते हैं जब आप लोग अटेंडेंस मार्क कर रहे होते हैं उसकी वजह से आप लोगों की एबसेंट मार्क हो जाती है तो प्लीज उसको भी चेक कर लिया करें uh, बाकी यहाँ पर जो ब्लॉगिंग के हवाले से था टॉपिक ऑलमोस्ट रेलिवेंट जो, जो थे जो है यहां पर हम ओ का स्टार्ट करेंगे और एस जो हमने इम्प्लीमेंट करनी है ऐड करनी है इनशाला हम यहाँ पर जो हमारे पास ब्लॉगर का प्लेटफॉर्म है इसी पे हम करेंगे कि ब्लॉगर की वेबसाइट पे किस तरह से ऐड करेंगे वर्कर्स की वेबसाइट पर कैसे ऐड करेंगे ये दोनों चीजें मैं आपके साथ जो है इनशाला Uh, जो है वो शेयर करूंगी और इससे रेलिवेंट आप लोग जो है तो क्वेश्चन भी कीजिएगा साथ साथ आप लोग प्रैक्टिस भी कीजिएगा अब यहाँ पे मैं uh, पहले तो आपको एक और चीज यहाँ पे uh, बता दूं, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं uh, उनकी क्यूरीज जो हैं वो आ रही थी रेलिवेंट uh, एस के टॉपिक से रेलिवेंट जो थी ओके अः यहाँ पर ये एक आर्टिकल है जो कि आर्टिकल मैं uh, बहुत ज्यादा uh, लोगों को रिकमेंड कर रही होती हूँ अपने स्टूडेंट्स को रिकमेंड कर रही होती हूँ एस यू के हवाले से अगर आपने एस को समझना है आप एस सी में रैंकिंग के हवाले से जो है या वेबसाइट गूगल रैंकिंग के हवाले से जो है अगर आप अ uh, देखना चाहते हैं पढ़ना चाहते हैं और इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो ये एक वेबसाइट है को के नाम से अगर आप एस सी ओ रैंकिंग फैक्टर गूगल रैंकिंग फैक्टर्स जो है वो लिख के सर्च करते हैं तो देन भी ये आपको फर्स्ट पेज uh, पे ही ये आपको मिल जाते हैं ये वेबसाइट ये आर्टिकल आपको मिल जाता है जहाँ पर आप जो है uh, ये सारे के सारे जो है फैक्टर्स पढ़ सकते हैं देख सकते हैं और बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव ये यहाँ पर इंफॉर्मेशन है आप लोग अभी स्टार्ट है आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए और इसलिए आप लोग प्लीज इन चीजों को जो है थोड़ा सा टाइम दे के इसको जरूर स्टडी कीजिएगा ये ब्लॉग जो है इसको स्टडी कीजिएगा इसमें अगर आप देखें तो एस के हवाले से बहुत ज्यादा डिटेल इंफॉर्मेशन है और आप इस इन सारी चीजों को जरूर पढ़िएगा अब यहां पे अगर आप देखें तो सबसे पहले डोमेन के हवाले से बात आ रही है तो डोमेन जो हमने मैंने आपको बताया था कि किस तरह से आप लोग बाय कर सकते हैं तो यहाँ पर आपको डोमेन एज डोमेन नेम डोमेन में आपका जो फर्स्ट लेटर है या आपका जो कीवर्ड है अगर आपका उसमें आ रहा है अब यहाँ पर अगर आप देखें बहुत सारी वेबसाइट ऐसी होती है जिनकी जो लिंक होता है लिंक होता है डोमेन का जो लिंक होता है उसके उसमें वो कीवर्ड्स होते हैं ठीक है यहाँ पर बहुत सारी डोमेन्स हैं वो उसमें कीवर्ड्स आ रहे होते हैं जो कि रेलिवेंट सर्विसेस से रेलिवेंट हो सकते हैं तो वो रैंकिंग ज्यादा कर सकती हैं इसमें बहुत सारी चीजें हैं उनको आप लोग जरूर स्टडी कीजिएगा और अभी मैं आपको जो चीजें बताऊंगी क्योंकि इसमें बहुत डिटेल में और बहुत ऐसे पॉइंट्स भी हैं जो कि फॉर द टाइम शायद मैं इतना आ, उसको ऐसे यहाँ पे काउंट ना करूँ या ऐड ना करूँ लेकिन आप लोग अपने एंड पे इनको जरूर इसको स्टडी कीजिएगा आपको काफी सारी चीजें जो है इसमें क्लियर पे हम जब SEO की बात करते हैं तो हमारे पास एस सी ओ में आ, दो तरह की एस हम लोग कर रहे होते हैं एक ऑन पेज कर रहे होते हैं और सेकंड हम लोग जो है वो ऑफ पेज एस कर रहे होते हैं अब यहाँ पर अगर आप देखें तो ऑन पेज एस फैक्टर्स भी हैं यहाँ पे अगर आप देखें तो ये ऑन पेज एस फैक्टर्स भी हैं उसके अलावा अगर आप ऑफ पेज एस फैक्टर्स लिख के जो है वो सर्च करेंगे तो वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे अब हम पहले ऑन पेज एस को हम स्टडी करेंगे देखेंगे फिर हम ऑफ पेज एस सी पर जाएंगे आ, ये सर्विसेज इवन अगर मैं ऑन पेज और ऑफ पेज की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर ऑफ पेज और ऑन पेज के साथ साथ जो है आप एक और चीज कर सकते हैं वो है यहाँ पे अगर फाइवर पे आप आते हैं फाइवर आ, मैं बार बार काउंट करती हूँ क्योंकि इसमें आ, आप लोगों के लिए जो है वो आप बहुत कम टाइम में आ, एक अच्छा प्लेटफॉर्म है फ्रीलांसिंग के हवाले से तो अगर आप यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग में आते हैं एस में आ, 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 आप देखते हैं तो एस के फर्दर जो है आपको यहाँ पे ऑन पेज और ऑफ पेज एस की जो सर्विसेज है वो आपको भी यहाँ पे मिलती हैं ऑन पेज एस आप अगर आप लिखते हैं ऑन पेज पेज ऑफ ये बहुत ज्यादा डिमांड में एक सर्विसेज होती है जो कि लोग प्रोवाइड कर रहे होते हैं अगर आप यहाँ पर देखें इनका यहां पर कुछ मैं गिग्स भी आपके साथ शेयर कर देती हूँ ताकि आपको एक तो बेसिक आइडिया भी हो जाए सेकंड आप लोगों को ये भी हो जाए कि आपने ये जो टॉपिक पढ़ना है इसको किस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं आप लोग किस तरह से ये सर्विसेज भी आगे दे सकते हैं अच्छा जी यहाँ पर मैंने कुछ दो से तीन जो है वो gigs ओपन कर ली हैं और मैं अब आपको इन जो है इसके हवाले से जो है वो भी मजीद गाइड कर देती हूँ अच्छा जी यहाँ पे मैं ऑन पेज एस की बात कर रही हूँ ऑन पेज एस फैक्टर्स तो ये एक मैंने आर्टिकल ओपन किया हुआ है मोस डॉट कॉम का और इसके हवाले से भी मैं आपको बताऊंगी इस वेबसाइट के हवाले से भी आपको बताऊंगी एस में अब बहुत कुछ है आप आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और इसमें बहुत सारी सर्विसेज हैं ऑन पेज की ऑफ uh, पेज की टेक्निकल uh, एस रिपोर्टिंग के हवाले से एनालिसिस के हवाले से वो सारी चीजें आपको जो है वो यहाँ पर आपको मिलेंगी इससे एक तो ये है कि आप लोग अगर आप इंडिविजुअल काम कर रहे हो आप अपने लिए काम करना चाहते हैं या फिर आप सर्विसेज देना चाहते हैं आपने अगर एस कर ली आप इवन यहाँ पे हम वेबसाइट या ब्लॉग की बात के साथ साथ मैं ये भी ऐड कर दूं कि अगर आप YouTube पे या फिर Google बिजनेस पे अगर, अगर अपना अकाउंट बनाते हैं उसको भी आपको ऑप्टोमाइज करना पड़ता है उसकी भी आपको एस करना पड़ करना होती है और अगर ये चीजें आप सीख जाते हैं ये टेक्निक्स आप सीख जाते हैं तो आप कहीं पर भी काम कर सकते हो ऑनलाइन इवन आपका फेसबुक पेज है आपका गूगल मैप है बिजनेस है या फिर आप यूट्यूब पे काम करें ये आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट देगा अब यहाँ पे ऑन पेज फैक्टर्स जो हैं यहाँ पे अगर आप देखें तो ये कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पे कंटेंट ऑफ पेज है गुड कंटेंट है एंड देन कंटेंट इज बैक लिंक लिंक है और फर्दर यहाँ पे काफी सारी चीजें हैं जिसमें टैग आ रहा है टाइटल टैग आ रहा है आपका यूआरएल आ रहा है इवन uh, फर्दर जो है इसमें चीजें आ रही हैं ये सारी चीजें मैं इंशाल्लाह आपको करवाऊंगी ऑन पेज एस में ठीक है लेकिन यहाँ पे मैं असासत उसकी कुछ सर्विसेज भी बता रही हूँ कि आपको ये भी आइडिया हो जाए कि ऑन पेज एस की अगर सर्विसेज आप लोग प्रोवाइड करते हैं तो आपने ये जो चीजें मैं आपसे कह रही हूँ या मैं आपको करवाऊंगी उसकी क्यों डिमांड भी है या नहीं है या उस पर लोग काम भी करवा रहे हैं या नहीं करवा रहे हैं उस हवाले से भी अगर आप यहाँ पर देखें तो एक तो ये आप सबसे पहले तो यहाँ पर ये भी आप देख लें डिजिटल मार्केटिंग एस एंड देन टेक्निकल एस अब एक और चीज मैं आपको बता दूं जब आप काम कर रहे होते हैं आप सर्विसेज दे रहे होते हैं आप फ्रीलांसिंग कर रहे होते हैं फाइबर के हवाले से बार बार एक बात कहती है कि आप लोग एज अ बिगनर जो है अगर आप चाहते हैं कि आपको काम मिले और आप वो काम करना चाहते हैं आप आ, तो फाइबर बेस्ट प्लेटफॉर्म है और उसके अलावा बाकी प्लेटफॉर्म भी हैं जहां पे आप लोग काम कर सकते हैं आप लोग कोशिश करें आपको मिल जाएगा का काम इवन uh, आपकी क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे काम कर रहे हैं फाइवर क्योंकि इजी है यहाँ पर क्लाइंट की डिमांड भी बहुत ज्यादा नहीं होती है या uh, आप लोग एज अ न्यू बिगनर जो है वो आप लोग अच्छी सर्विसेस दे सकते हैं सेकेंड यहाँ पे एक और चीज बता दू जब आप लोग काम करते हैं या आप लोग गिग्स क्रिएट कर रहे होते हैं तो आप लोग कैटेगरी समटाइम जो है वो बिल्कुल गलत सेलेक्ट कर रहे होते हैं जिसकी वजह से आपको ना ही तो अच्छा क्लाइंट मिल रहा होता है और ना ही जो है वो आपकी गिग रैंक हो रही होती है ठीक है यहां पर आपकी जो मेन कैटेगरी है अगर आप देखें डिजिटल मार्केटिंग की तो इसमें एसई आ रहा है उसके बाद यहाँ पर टेक्निकल एस आगे फर्दर इसमें टेक्निकल एस भी आ रहा है यहां पर अगर आप एस सी ओ करेंगे उसके बाद आपके पास टेक्निकल एस आ जाता है थर्ड थिंग यहाँ पे मैं आपको बता दू अगर आप लोकल एस का भी यहाँ पे ऑप्शन है अब लोकल एस क्या होती है हम कहते हैं ये चीज बहुत लोकल है लोकल का मतलब होता है वो एक रीजन में आप अगर चीजें कर रहे हैं एस कर रहे हो और एस टेक्निकल एस भी है इसमें एस का अगर आप करते हैं तो इसमें की रिसर्च भी आ जाती है एस को आप करते हैं तो इसमें ऑन पेज ऑफ पेज एस और आप फर्दर जो ऑप्टोमाइजेशन है वो इसमें आ जाती हैं लेकिन अगर आप इसमें लोकल एस का भी ऑप्शन है आपके पास और एस का ऑप्शन भी है और इसमें आगे फर्दर डिफरेंट कैटेगरी और कैटेगरीज भी हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं ओके okay, अब यहाँ पर बात करते हैं यहाँ पे जो इन्होंने टाइटल ऐड किया हुआ है ऑन पेज एसू के हवाले से अभी हम सिर्फ ऑन पेज एस को डिस्कस करें ऑफ पेज एस को हम बाद में डिस्कस करेंगे ऑन पेज एस में हमारे मैटा टैग्स आ जाते हैं डिस्क्रिप्शन आ जाती हैं इमेज ऑल टैग जो होते हैं वो आ जाते हैं वेबसाइट का लेआउट आ जाता है कॉन्टेंट आ जाता है उसको किस तरह से डिस्प्ले करना है कैसे ऐड करना है वो सारी चीजें जो है उसमें आती हैं अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये बेसिक uh, जो है ऑन पेज है जिसमें टेन पेजेस को जो है ये ऑप्टोमाइज करें meta, जो टाइटल्स हैं वो ऐड करती हैं डिस्क्रिप्शन ऐड ऐड करती हैं हैं इमेज टैग्स कर रही अब यहाँ पे कुछ और चीजें भी हैं जैसे कि इंडेक्स ऑप्टोमाइज है एग्जिमल साइड मैप है रिबोटक्स है ठीक है और कंप्रेस इमेजेस है ये फाइव डॉलर में दे रही है सर्विसेस फिफ्टीन पेजेज हैं मजीद यहाँ पर अगर आप देखें तो ये चीजें ये प्रोवाइड हैं इसमें फर्स्ट वन में सिर्फ इमेजेस वो कंप्रेस कर रही थी देन फोर्थ वन है तो इस तरह से चीजें जो है आप लोग भी ये कर सकते हैं और ये सारे पॉइंट्स जो यहाँ पर मेंशन किए गए हैं देखने में शायद आपको लग रहे हो कि थोड़े से मुश्किल हैं ये चीजें समझ में नहीं आ रही जबकि ये बहुत ही आसान है बहुत ही इजी है और मैं समझती हूँ जिसको कुछ नहीं आता जिसको लगता है कि मैं ना ही तो क्रिएटिव हूँ ना ही मैं लिख सकता हूँ या फिर मैं बहुत ज़्यादा काम नहीं उस तरह से कर सकता मेरे पास टेक्निकल स्किल्स नहीं है तो एस एक ऐसी सर्विसेज uh, है या एक ऐसी जॉब uh, है जो कि मैं समझती हूँ जिसको लगता है वो कुछ नहीं कर सकता वो एस जरूर कर सकता है क्योंकि इसमें ज्यादा चीज़ें जो है वो कॉपी पेस्ट होती हैं या फिर आपने उसको रिपीट करना होता है चीज़ों को और इसमें अगर आपकी स्पीड आप पकड़ लेते हैं चीजों को समझ लेते हैं जो चंद पॉइंट हैं इनको तो उसके बाद फर्दर जो है वो आपके लिए चीजें बहुत ज्यादा आसान हो जाती हैं ओके okay, अब यहाँ पर ऑप्टोमाइज यहाँ पे अगर आप देखें तो कुछ और चीजें भी हैं जैसे कि वेब मास्टर टूल्स हैं वेब मास्टर टूल कौन से होते हैं जो कि गूगल है जैसे कि वेब मास्टर टूल है जिसके ऊपर वेब वेबसाइट्स वेब रैंक हो रही होती हैं बींग है अदर कुछ प्लेटफॉर्म भी हैं जो कि सर्च इंजन होते हैं उनके तो हम यहाँ पे दो ही करते हैं बींग और गूगल क्योंकि ज्यादातर जो सर्च इंजन यूज हो रहे हैं वो गूगल और बींग है नंबर वन नंबर टू पे जो है साइड मैप्स हैं ये भी मैं आपको बताऊंगी ये होते क्या हैं इसको किस तरह से हम करते हैं ब्रोकन लिंक्स हैं उनको कैसे फिक्स किया जा सकता है इमेज आल टैग्स हैं मैदा टैग्स हैं ये सारी चीजें जो है इनशाला हम लोग ऑन पेज में हम इसको पढ़ेंगे मैं आपको बताऊंगी किस तरह से आपने इसको इम्प्लीमेंट करना है और इवन दोस्त अगर आप यहाँ पर देखें तो ये इन्होंने अपनी सर्विसेज जो है ये मेंशन की हुई हैं और ये सारी सर्विसेज जो यहां पर ये मेंशन कर रही हैं ये सारी सर्विसेज इनशाला हम लोग भी ऑन पेज एस में इनको इसको कवर करेंगे उसके अलावा भी कुछ चीजें हैं जो कि यहाँ पर फॉर द टाइम अगर मैं ये कहूँ की मैंशन नहीं है लेकिन वो मैं आपको जरूर करवाऊंगी ओके अब यहाँ पर अगर आप देखें तो इन्होंने एस की बात की है यहाँ पर इस गिग में जो है ये एस सी यू की दे रही है ऑन पेज की लेकिन ये ये मेंशन नहीं कर रही है ठीक uh, है ये एस सी ओ की सर्विसेस सिर्फ दे रही है लेकिन अगर आप यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पे बात हो रही है कि वर्डप्रेस यूज्ड एस सी ओ और एस सी ओप्टोमाइजेशन से रेलिवेंट जो इश्यूज होते हैं उनको ये सॉल्व कर रहे हैं तो इवन फॉर द टाइम अगर आप देखें यहाँ पर टू पेजेस हैं एस के जिसमें ये मैडा टैग्स जो हैं वो अपडेट करेंगे उसके अलावा यूस्ट एस प्रीमियम जो है उसको करेंगे उसके अलावा रिपोर्ट ऐड करते हैं ठीक है अब कुछ चीजें जो है मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ हम लोग वर्डप्रेस पे जब काम करते हैं तो हम प्लगइन्स यूज करते हैं उसमें हमने जो भी अपना चीजें ऐड करनी होती है इंफॉर्मेशन ऐड करनी होती है या फिर हम उसमें कुछ भी इम्प्लीमेंट करना चाह रहे होते हैं तो हम उसमें प्लगइन्स को यूज करते हैं तो प्लग एस के लिए जो हम ऑन पेज एस करते हैं अपनी वेबसाइट की अगर हमारी वेबसाइट जो है वो ब्लॉग पे है ओके okay, तो यहाँ पर जो है हम लोग जब ऑन पेज कर रहे होते हैं वर्ड पे तो हम प्लग यूज करते हैं योज एस का मैथ एस सीओ है रैंकिंग मैथ एस सी है और एक और प्लगइन है तीन प्लगइन यूज हो रहे होते हैं लेकिन मोस्टली जो है अभी हम योस्ट एस सी ओ या रैंक मैथ जो एस सी ओ है वर्डप्रेस का वो यूज करते हैं पहले हम एक मैनुअल वेबसाइट पे कैसे करते हैं मैनुअल वेबसाइट क्या होती है जो अगर आपकी वेबसाइट वर्डप्रेस पे नहीं है किसी और कोडिंग uh, लैंग्वेज पे है uh, जैसे कि आपने देखा होगा एच टी एम एल या सी एस एस जो वेबसाइट्स होती हैं कोडिंग बेस्ड वेबसाइट्स होती हैं उन पे टैक्स कैसे ऐड करते हैं या फिर जो हमारे पास वर्डप्रेस की है उस पे तो हम प्लगइन को यूज करके ऐड कर लेते हैं फर्दर हमारे पास कुछ और जो है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम हैं जिनको हम लोग यूज कर रहे होते हैं मोस्टली वेबसाइट्स में तो उन पे भी आप कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं वो भी मैं आपको साथ साथ थोड़ा सा उसमें गाइड कर दूंगी अब यहां पर अगर आप सर्विसेज में इनकी देखें ऑलमोस्ट वही सारी चीजें हैं जो कि हमारे पास पहले हमने ऐड की देखी थी और चीजों को हमने स्टडी किया था अभी मैंने आपके साथ जो है वो शेयर की हैं बाकी इंशाल्लाह हम इसको फर्दर डिटेल में जो है वो ऐड करेंगे ओके okay, अब यहाँ पर जो है मोस्टली चीजें वही आ रही हैं जो कि पहले हम आ, देख चुके हैं हमने डिस्कस कर ली है ओके okay, बैकलिंक uh, क्या होते हैं बैकलिंक्स uh, जो हैं ये हमारे ऑफ पेज एस में आ जाता है और ऑफ पेज एस जो है हमारी ऑल ओवर अगर हम हम ये कहें कि बैकलिंक्स के हवाले से होती है और बैकलिंक जो है वो आपकी वेबसाइट की रैंकिंग में जो है वो एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं एक और चीज मैं आपको यहाँ दूं अभी ऑन पेज एसू को हम डिस्कस कर रहे थे ऑन पेज एसू क्या है कि जो भी चीजें हैं जो भी चेंजिंग है आप अपनी वेबसाइट पे इंप्लीमेंट कर रहे होते हैं आपने अपनी वेबसाइट को ही मजीद उसमें चीजें जो है वो डिफाइन कर रहे होते हैं गूगल सर्च इंजन जो सर्च इंजन होते हैं उनके जो रिक्वायरमेंट होती है जो रिकमेंडेशन होती है उनको फॉलो करते हुए और जो बैकलिंग होते हैं वो हम अपनी वेबसाइट पे कुछ भी एम्प्लीमेंट नहीं कर रहे होते हैं लेकिन हम दूसरों की वेबसाइट पे जो जो दूसरी वेबसाइट्स होती हैं जो कि हमारी वेबसाइट नहीं है हम उन पे जाके जो काम करते हैं वो हमारा ऑफ पेज एस सीओ ये दो टर्म्स यूज होती हैं एस में तो इन दोनों टर्म्स में एक ऑन पेज है और एक ऑफ पेज है ऑन पेज ये है कि अपने पेज पे अपनी वेबसाइट पे काम करना और ऑफ पेज है कि, कि किसी और के प्लेटफॉर्म किसी और वेबसाइट को यूज करते हुए अपनी वेबसाइट को प्रमोट करना और एक लिंक क्रिएट करना लिंक करना अब एक होता ना आपका मुझसे लिंक है ये बंदा फ्ला बंदे से इसके लिंक फ्ला बंदे के साथ हैं द तो सेम टर्म कि आपकी वेबसाइट का लिंक जो है वो किसी और के साथ है तो उसको कहते हैं बैक लिंक कि वो आपको लिंक प्रोवाइड कर रहे आप दूसरी वेबसाइट पर जाके लिंक क्रिएट करते हैं अपनी वेबसाइट का उसको बैक लिंक करते हैं बाकी इस पे काफी ज्यादा चीजें हैं इसमें भी ऑफ पेज एस में भी तो इनशाला वो इस टॉपिक को ऑन पेज को हम जब कवर करेंगे देन हम इस पे आगे फर्दर वो स्टार्ट कर देंगे ओके okay, अब यहाँ पर जो है हम सबसे पहले बात करते हैं अः एस सी की जब हम आ, किसी वेबसाइट की हमने एस करनी होती है तो सबसे पहले हमने उसका एस सी ओ ऑडिट करना होता है तो एस सी ओ हमारे पास ऑडिट अब यहाँ पे आप देखें तो एस ऑडिट रिपोर्ट टैंपलेट आ रहा है रिपोर्ट सैंपल आ रहा है और उसके अलावा हम यहाँ पे ऑडिट टूल्स फाइंड करेंगे पहले तो ऑडियो टूल्स फ्री टूल्स जो हैं ऑडिट के लिए हम वो यूटिलाइज करेंगे पहले इवन uh, आपकी क्लास में से एक स्टूडेंट थी uh, मुझे उनका नाम तो याद नहीं है लेकिन uh, उन्होंने कुछ दिन पहले मुझे एक मैसेज किया था कि मैम मुझे बताएं कि एस रिपोर्ट कैसे क्रिएट की जाती है और एस रिपोर्ट में क्या क्या चीज़ें जो हैं वो हमने डिफाइन करनी होती बताना होता है उस हवाले से फोर द टाइम यहाँ पर बहुत सारे टूल्स हैं वेबसाइट्स uh, हैं जो कि आपको फ्री में अलाउ करते हैं फ्री में आपको uh, बत, बताते हैं कि आपकी वेबसाइट में एस सी के एंड पे जो है एस रिपोर्ट जो होती है एस ऑडिट रिपोर्ट जो होती है उसमें आपको बताया जाता है कि क्या क्या इश्यूज हैं जो कि आपकी वेबसाइट में हैं और आपने उनको सॉल्व करना है आप उसको बेहतर करें ये, -ये चीजें हैं आपका क्लाइंट जब आपके पास आता है एस करवाने के लिए तो सबसे पहले तो आपने उसको ये बताना ना कि आपकी वेबसाइट को एस की जरूरत है और आपकी वेबसाइट जो है अगर आप फॉर एग्जाम्पल आपका क्लाइंट नहीं भी है आप खुद उसको अप्रोच करना चाह रहे हैं आप उसको एस की सर्विसेस जो है देना चाह रहे हैं या वो आपसे ले आप उसको कन्विंस करना चाह रहे हैं तो उसके लिए एक ऑडिट रिपोर्ट जो है वो बहुत बेहतर जो है है कि आप उसको वो शेयर करें ताकि उसको आइडिया हो कि मेरे पास जो अभी मैं काम कर रहा हूँ इसमें ये ये चीजें हैं जो कि अभी मैं इसमें फॉल कर रहा हूँ ये सारी इसमें अ, ये पॉइंट है जिनको मैंने कवर करना है मेरी वेबसाइट जो है वो अच्छी रैंकिंग पे नहीं आ रही है तो वो सारी चीजें आप बता सकते हैं थ्रू रिपोर्ट तो सबसे पहले आपने एस ऑडिट रिपोर्ट क्रिएट करनी होती है किसी भी वेबसाइट की जब आपने काम करना है आप यहाँ पर जब भी लिख के सर्च करते हैं अः एस ऑडिट रिपोर्ट या एस ऑडिट टूल्स जो है वो आप सर्च करेंगे तो आपके पास इसी तरह से जो है कुछ वेबसाइट्स आ जाएंगी uh, जिनको आप यूज कर सकते हैं यहाँ पे कुछ वेबसाइट ऐसी हैं जो कि मैं खुद पर्सनली यूज करती हूँ जब भी कभी मुझे काम करना होता है मुझे किसी क्लाइंट को रिपोर्ट सेंड करनी है एस की तो मैं उसके लिए ये टूल्स यूज करती हूँ और वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ यहाँ पर ओके okay, यहाँ पर मैंने ये कुछ वेबसाइट्स ओपन की हैं ये वेबसाइट जो है मैं खुद यूज कर रही होती हूँ जब भी मुझे किसी भी क्लाइंट को जो है रिपोर्ट सेंड करनी है ऑडिट रिपोर्ट जो है वो देनी है और एक और चीज मैं यहाँ आपको बता दूं कि आप ये सर्विसेज जो हैं एस सी ऑडिट रिपोर्ट की जो है वो आप यहाँ पे भी दे सकते हैं पाइवर पे भी आप ये जो है दे सकते हैं Okay, अब यहाँ पे अगर आप देखें तो एक तो यहाँ पे आ रहा है एस ऑडिट रिपोर्ट एस वेबसाइट एस ऑडिट रिपोर्ट आ रहा है वेबसाइट रिपोर्ट और ऑडिट रिपोर्ट आ रहा है ऑडिट आ रहा है और प्रोफेशनल एस ऑडिट रिपोर्ट आ रहा है टेक्निकल एस ऑडिट आ रहा है ये वो वर्ड्स हैं जिनको आप लोग भी यूज करके अपना टाइटल क्रिएट करें और ये सर्विसेज सेल कर सकते हैं क्योंकि इन चीजों को जो है इन वर्ड्स को ज्यादा लोग सर्च कर रहे हैं तो आप इन सारे सर इनको करें इस पर देखिए कॉम्पिटिशन किस पे कम है और किस पे ज्यादा जो है वो आ रही है कौन सी गेम्स ज्यादा रैंक कर रही है और इवन अगर आप यहाँ पर इसमें से कुछ मैं अभी यहाँ पर जैसे आपको सर शेयर करती हूँ ज्यादातर लोग इन्हीं टूल्स को यूज करते हुए आपको रिपोर्ट क्रिएट करके दे रहे होते हैं उसमें कोई भी एसेज बहुत ज्यादा मुश्किल या कहा जाए कि बहुत ज्यादा कोई टेक्निकल चीज नहीं होती है ओके okay, अब यहां पे ये, ये टॉप रेटेड हैं और इनको जो है ये टॉप रेटेड है फर्स्ट लेवल से सेकंड लेवल से ये आगे जा चुके हैं इनका लेवल जो है इस टाइम पे वो टॉप रेटेड है और ये जो इनकी गिग है जिसमें ये प्रोफेशनल एस ऑडिट रिपोर्ट और उसके अलावा कॉम्पिटिटिव वेबसाइट एनालिसिस जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं और वो कैसे है वो चीजें क्या है जो कि आप लोग भी प्रोवाइड कर सकते हैं यहाँ पर एक तो एस टेक्निकल एनालिसिस इसको कहते हैं या फिर हम इसको एस ऑडिट रिपोर्ट कह सकते हैं कॉम्पिटिट एनालिसिस भी सेम चीज होती है और इसमें बस आपने एक तो ये है कि आपने क्लाइंट की वेबसाइट का ऑडिट करके या उसको एनालिसिस करके देना होता है उसके अलावा आप उसके कॉम्पिटिटर जो होते हैं वो आपने खुद फाइंड करके देने हैं फॉर एग्जाम्पल आपका क्लाइंट जो होता है जो आप जिसका काम कर रहे हैं उसकी वेबसाइट है क्लोथिंग से रिलेटेड और उसकी टारगेट ऑडियंस जो है वो कनाडा है फॉर एग्जांपल या कनाडा में भी कुछ सिटीज आप उसमें डिफाइन कर लें उन सिटीज को वो कर रहे हैं आप देखें कि उसके अलावा कनाडा में और कौन से ब्रांड्स हैं जो कि ये सेम सर्विसेज दे रहे हैं उसकी जिस तरह से वो दिस ऑडियंस को दे रहे हैं और वो पेजेस जो वो वेबसाइट जो नंबर वन टू और थ्री फोर फाइव तक आ रही होती हैं आपने उनकी लिंक कॉपी करने हैं उनको उसी तरह से एनालिसिस करना है और उनकी रिपोर्ट भी आपने भेज देनी है तो उससे क्लाइंट को आइडिया हो जाता है कि ओके okay, फाइन मेरे कॉम्पिटिटर जो है उनके वेबसाइट का ये एनालिसिस है और मेरी वेबसाइट का ये एनालिसिस है तो मुझे किस तरह से मजीद बेहतर करना है कि मेरी वेबसाइट भी जो है वो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फाइव पे जो है वो नंबर्स पे शो हो गूगल के फर्स्ट पेज पे तो ये एक तरह से जो है इसमें एस एनालिसिस एस ऑडिट रिपोर्ट और कॉम्पिटिट एनालिसिस ये सारी चीजें इस तरह से आ जाती हैं। एक और चीज यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि अभी अगर आप लोग काम कर रहे हैं या आप लोग एस सी ओ की जब गिग्स क्रिएट करेंगे तो अब इसमें जो है एक तो एक्सपर्टीज है वो आपकी इंडस्ट्री वाइज वो बहुत ज्यादा काउंट हो रही होती हैं उसके अलावा लैंग्वेजेस आ रही होती हैं तो यहाँ पे आपने अपनी लैंग्वेजेस और यहाँ पर अः जिनमें आप काम कर सकते हैं वैसे तो आप गूगल ट्रांसलेटर के थ्रू किसी भी जुबान में जो है वो आप ऐड करके कर सकते हैं लेकिन आप देखें कि कौन सी ऐसी जुबानें हैं जहा पे जिनकी जहाँ पे ज्यादा डिमांड है फ्रेंच हो गया चाइनीज होगी उसके अलावा कुछ और अदर हैं आ, जो कि आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं जर्मन होगी इस तरह की डिमांड में होती हैं, वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं ओके okay, अब गीत तो मैंने आपको बता दिया इसमें कि किस तरह से जो है वो आप इसमें आ, क्या चीजें हैं जो कि आप रिपोर्ट में आपने काउंट रही होती हैं जो कि आपने डिलीवर करनी होती हैं आ, अब यहां पर ये जो मैंने टूल्स आपको बताए हैं ठीक है अगर आप ये तीनों टूल्स इस टाइम पे देखें आपको इनके इंटरफेस में एक चीज सेम लग रही होगी कि यहां पर भी अगर आप आते हैं तो यहां पर आ रहे हैं एंटर योर डोमेन आप अपनी डोमेन को एड करें और उसको अनालिसिस करें यहां पर भी Uh, ये जो वेबसाइट है एस साइट चेकअप के नाम से यहाँ पे आ रहा है वेबसाइट यूआरएल एंड देन यहाँ पे चेकअप का आ रहा है सेम यहाँ पे ऑडिट एस ऑडिट एंड रिपोर्टिंग टूल यहाँ पे आपने अपना लिंक ऐड करना है और ऑडिट पे क्लिक कर देना है वो आपको ऑडिट करके दे देगा तो सेम चीज है आप लोग डिफरेंट टर्म्स यूज कर रहे होते हैं उस पर कंफ्यूज नहीं होना और आप काम यही है चीजें यही हैं। इवन अगर आप गूगल पे, सॉरी फाइवर पर जाके देखते हैं तो आपको यहाँ पर अः मैं हंड्रेड में से नाइनटी परसेंट लोग इन्हीं टूल्स को यूज करके फ्री टूल्स को यूज करके काम कर रहे होते हैं एसियो जो है हमारे पास एक अच्छी सर्विसेज है जो कि आप लोग दे सकते हैं लेकिन इसमें टूल्स जो होते हैं ऐसे हो के वो पे टूल्स होते हैं और ज्यादातर जो है लोग फ्री टूल्स को यूज कर रहे होते हैं पे टूल्स को बहुत कम लोग यूज कर रहे होते हैं क्योंकि तो पे टूल्स जो है वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं आप अगर फाइव डॉलर या हंड्रेड डॉलर में एक सर्विसेज दे रहे हैं और एक टूल की जो है वो मंथली जो प्राइस होती है वो ही हंड्रेड डॉलर है तो वो आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं और इनिशियल लेवल पे तो आप बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं और ना ही मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप उनको यूज करें आप फ्री टूल्स को यूज करते हुए आप काम करें और उन्हीं के थ्रू आप रिपोर्ट वगैरह जनरेट करके क्लाइंट के साथ शेयर कर दें और क्लाइंट इस बात को समझते हैं कि आप लोग जो है फ्री टूल्स को यूज कर रहे हैं या उनको बताना आई थिंक तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता कि आपने उनको हर चीज मेंशन करनी है Okay, अब इन वेबसाइट्स पे जो है वो सिंपल आपने अपनी वेबसाइट का जो यूआरएल है वो आपने आ, किसी भी जिस वेबसाइट का आपने एनालिसिस करना है उसका यूआरएल जो है वो आपने कॉपी करना है और उसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है आपका क्लाइंट जब भी आपके पास एस के लिए आते हैं एस रिपोर्ट के लिए आएगा तो आपने उसे सिंपल ये कहना होता है आपने उसको आफ्टर यानी कि जब वो आपके अपनी क्यूरी बताता है उसके बाद आपने उससे उसकी वेबसाइट का लिंक लेना है और उस लिंक को लेके आप यहाँ पर ऐड कर दें आफ्टर टाइम जो है यहाँ पे आपको रिजल्ट दिखा देगा और फॉर द टाइम यहाँ पे मेरे पास जो वेबसाइट है मैं सब पे जो है सेम एक ही वेबसाइट जो है वो ऐड कर रही हूँ ओके okay, अब यहाँ पर अगर आप देखें तो ये जो अभी हमने एक रिपोर्ट क्रिएट की है ऑडिट ऑडिट किया है इसमें अगर आप देखें तो यहाँ पर इस जो वेबसाइट पे हमने किया है यहां पर एक हंड्रेड है जो कि एटी एट है उसके बाद पेज लेवल इश्यूज जो हैं वो एरर्स कुछ रहे हैं कुछ इसमें वार्निंग्स हैं कुछ इसमें नोटिस हैं और उसके अलावा अगर आप यहां पे क्लिक करते जाएंगे अगर आप इसको क्लिक करेंगे फर्दर तो ये आपके पास ये चीजें आ जाएंगी किसका टाइटल डुप्लीकेट है या इसमें जो भी इश्यूज हैं वो सारी चीजें जो हैं वो आपके पास इस तरह से जो है इस पे शो हो जाएंगे उसके अलावा यहाँ पर अगर आप देखें मजीद इसमें जो है चीजें यहाँ पर ये आपके पास यहाँ पर आ रही होती हैं और पी में यहाँ से आप इस रिपोर्ट को जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं सिंपल ओके okay, अब यहाँ पर जब हम डाउनलोड पर क्लिक करते हैं तो ये पेड है वो आपको कह रहे कि आप अगर इसको पे करेंगे देन आप इस पर जो है वो चीजें आपको ये रिपोर्ट मिल जाएगी फ्री में जो है ये रिपोर्ट डाउनलोड का ऑप्शन नहीं देता तो सिंपल आप यहाँ से इसके स्क्रीनशॉट लें स्क्रीनशॉट लेने के बाद जो है आप इसको एक वर्ड की फाइल में ऐड करें और क्लाइंट सा शेयर कर दें हम मोस्टली लोग जो है इसी तरह से कर रहे होते हैं इसमें ऐसे कोई बहुत परेशानी वाली बात नहीं है कि आप इसको इस तरह से करके देंगे वो सारी चीजें उसके अलावा ये एक प्लेटफॉर्म है अगर आप यहां पर देखें तो यहाँ पे एस साइट चेकअप जो है वेबसाइट है और इसपे जो है आउट ऑफ हंड्रेड सेवेंटी टू आ रहा है इस पे जो आपके यहां पर है जो इसमें वार्निंग आ रही है या इसमें एरर्स आ रहे हैं वो इस तरह से जो है ये आपके पास आ रहे हैं यहाँ पर यहां पर जिस तरह से अगर आप देखें तो ये आ रहा है एरर आ रहा है जिसको आपने फिक्स करना है यहाँ पर रेड में शो हो रहे बाकी जो आपके इसमें मजीद चीजें हैं यहाँ पे जो ग्रीन में है यहाँ पे टिक है इट मीन्स कि वो इम्प्लीमेंट हुई हुई हैं और जो नहीं है उन पर क्रॉस आ रहा होता है उसको फिक्स करना है आपने और उसके बाद सबसे एंड पे जो है अगर आप यहाँ पर देखें तो डाउनलोड पीडीएफ का ऑप्शन आ रहा होता है आप यहाँ से डाउनलोड करके रिपोर्ट जो है वो डाउनलोड करें उसके बाद उसको थोड़ा सा एडिट जरूर किया करें उसके बाद क्लाइंट को सेंड करना है आपने सेम यहाँ पर भी आपके पास जो है वेबसाइट का एक इस पे स्कोर आ रहा है जो कि इस टाइम पे सी आ रहा है ए बी ए प्लस जो है वो सबसे बेस्ट है बट ए बी सी जो है इसमें इस तरह से स्कोर होता है और उसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखें तो एसू का क्या है बी माइनस आ रहा है उसके अलावा यहाँ पे सोशल सिक्योरिटी और परफॉर्मेंस के हवाले से यहाँ पे डिफरेंट जो है इसके स्कोर यहाँ पे शो हो रहे हैं अः ये वेबसाइट भी पहले तो ये आपको आ, अलाउ करती थी कि आप यहाँ से जो है इसकी पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते थे बट फॉर द टाइम आप पीडीएफ फाइल जो है इसकी वो नहीं कर सकते हैं डाउनलोड यहाँ पे आप पेड जो है इसका प्रीमियम है अगर आप इसको बाय करते हैं पेड टूल यूज करते हैं देन तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं बट अगर फ्री में काम कर रहे हैं तो फिर आप इसको डाउनलोड नहीं कर सकते हैं उसका भी यही सिंपल ले ले जैसे कि यहाँ पर है, आप आ रहा है उसके अलावा आप इसको किस तरह से बेहतर कर सकते हैं उस हवाले से जो है यहाँ पर डिफाइन किया गया है आपके एच टी एम एल जो हैं वो इसमें हैं नहीं हैं वो इस तरह से जो है यहाँ पर डिफाइंड हो रहे हैं उसके बाद बॉडी कॉन्टेंट है उसमें आपका एच वन टैक्स जिस तरह से हेडिंग टैग्स के हवाले से मैंने बताया था सिक्स होते हैं तो इसमें आपका वन टू थ्री फोर यहाँ पे नंबर ऑफ कि, कितने टाइम यूज हुए हैं टैग्स वो यहाँ पर आ रहे हैं जो कीवर्ड्स यूज हो रहे हैं जो रेलिवेंट कीवर्ड्स हैं वो आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं वो यहाँ पर मैंशन किए गए हैं इवन आपकी वेबसाइट का जो टोटल कंटेंट है वो भी यहां पर नंबर्स जो है वो आपको शो कर रहा है उसके अलावा यहाँ पर जो है ये आपके पास लिंक्स का आ रहा है नंबर ऑफ लिंक्स जो हैं उसके हवाले से है ऑन पेज जो लिंक्स आप ऑन पेज पे ऐड कर रहे होते हैं इंटरनल लिंक्स उसके हवाले से है फ्रेंडली यूआरएल जो होते हैं उसके हवाले से यहाँ पर आ रहे हैं ये एक पूरी रिपोर्ट है अना, रिपोर्ट है इवन आप में से बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं जिनको इशू आ रहा था आफ्टर इस हवाले से कि हमारे पास जो है वो हमें किस तरह की रैंक एक ऐसी ऑडिट रिपोर्ट कैसे बनानी है उसमें क्या क्या चीजें हैं जो कि मेंशन करनी होती तो यहाँ पर ये यह सारी चीजें आपको डिफाइन की गई हैं और उसके अलावा अगर आप यहाँ पर देखें तो ये कीवर्ड्स हैं जो कि यहाँ पर रैंकिंग में आ रहे हैं रैंकिंग में जो कीवर्ड्स आ रहे हैं उसके बाद वो किन कंट्रीज में रैंकिंग पे आ रहे हैं उनकी पोजीशन क्या आ रही है उस पर जो है टोटल सर्चेस कितनी हैं और इस पे एस्टिमेटेड ट्रैफिक कितनी आ रही है वो यहाँ पर डिफाइन की गई है और मंथली जो एवरेज uh, एवरेज जो इसका वॉल्यूम है वो यहाँ पर रहा है तो ये सारी चीजें जो है वो आप अपने क्लाइंट के साथ शेयर कर सकते हैं ये इसमें टेक्निकल कुछ पॉइंट्स हैं जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखें सोशल मीडिया का है तो यहाँ पर इसके अगर इनका पेज है इंस्टाग्राम ट्विटर पे तो उसके पॉल कितने हैं यूट्यूब पे है नहीं है वो सारी चीजें जो है पेरेंट्स के हवाले से क्योंकि आपकी जो वेबसाइट होती है उसके उसमें सारी चीजें पहले से डिफाइन की हुई हैं और उस पर मैंशन की गई होती हैं तो उस हवाले से ये काफी बेहतर टूल है कि आप इसको चेक कर सकते हैं यहाँ पर चीजों को ओके okay, अब यहाँ पर जो है अगर आप मैंने आपको एस ऑडिट के हवाले से तो बता दिया है और आपने क्लाइंट का जब भी प्रोजेक्ट लेना है काम करना है तो उसको इस तरह से जो है वो आप एस ऑडिट रिपोर्ट बना के सेंड कर सकते हैं जब भी आपने किसी भी वेबसाइट की एस करनी होती है ऑन पेज ऑफ पेज तो उसमें ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है कि आप उसको ऑडिट करें उसके साथ वो शेयर करें उसके बाद जब आपने काम करना है आपने इन सारे इश्यूज को सॉल्व करना है उसके बाद आप इसको चेक करें तो इसका जो एस स्कोर होगा वो इम्प्रूव हो जाएगा बेहतर हो जाएगा आप वो रिपोर्ट भी क्लाइंट के साथ शेयर करें तो क्लाइंट को वो चीजें समझ में आ रही होती फाइन okay, आपने उसके भाव पे जो है ये ये काम जो है वो परफॉर्म किए हैं और ये रिजल्ट आ रहे हैं अः uh, देखिए क्लाइंट को ना ये मेंशन नहीं करना होता और ना ही क्लाइंट मेंशन करता है कि आप फ्री टूल्स यूज करें या पेड टूल्स यूज करें और ये चीजें जो है वो आपने खुद इसको आगे फर्दर लेके चलना होता है आपने क्लाइंट को अगर इन सारी चीजों का इन सारी टेक्निक्स का या इन सारी आ, काम के हवाले से अगर इंफॉर्मेशन हो तो वो आपके पास तो नहीं आएगा वो खुद भी कर सकता है उस वो खुद किसी वेबसाइट पे जाके अपना लिंक सबमिट करवा के रिपोर्ट जनरेट कर ले लेकिन क्योंकि उसको आइडिया नहीं होता उसको पता नहीं होता कि काम कैसे करना है ये काम कैसे होता है तो आपने उसको कुछ भी नहीं बताना आपने उससे एक से दो दिन का टाइम लिया आपने रिपोर्ट तैयार की अच्छे से रिपोर्ट तैयार करें उसमें थोड़ी सी चीजें खुद से करने की कोशिश करें यहाँ पे आपको बहुत सारे टेम्पलेट्स मिल जाते हैं उनको फॉलो करने की कोशिश करें अनालिसिस चीजें वगैरह इन्हीं टूल्स के थ्रू आप लें और उसको डिफाइन करते जाए और एक अच्छी रिपोर्ट बना के क्लाइंट के साथ शेयर कर दें दैट्स इट अच्छा जी मैम इसमें हम Uh, देखिए मैं आपको ना बड़ी एक सिंपल सी बात बताती हूँ कि आपने जब इसको uh, यहाँ से स्क्रीनशॉट लेने हैं तो वो आपके एज अ इमेज ही सेव होते हैं ना आपके पास जो आप स्क्रीनशॉट ले रहे होते हो वो पी या जेपी में जो है वो फॉर्मेट uh, में आपके पास आते हैं आपने उनको वर्ड की फाइल पे टाइटल लिख के रिपोर्ट का लिख के हर चीज लिख के उसके बाद आप हेडिंग्स ऐड करके वो इमेजेस ऐड करते जाए इंसर्ट इमेजेस का ऑप्शन होता है उसमें कन्वर्ट करने की कोई भी आपको ऐसी जरूरत नहीं है आप सिंपल इंसर्ट इमेज करके उसको ऐड कर दें वहां पर उस हेडिंग के नीचे जो एक एक पॉइंट यहाँ पे बताया गया है जिसमें से ऑन पेज है एशियमएल है टैग्स हैं और कीवर्ड्स का है रैंकिंग का है नंबर ऑफ बैकलिंग का है मंथली uh, जो आपकी ट्रैफिक आ रही है उसके हवाले से है तो वो सारी चीजें आप जो है उसको वन बाय वन करके उसमें डिफाइन करते जाएं तो ये बहुत इजी इस, इस तरह से कर लें तो ज्यादा बेहतर है कंटेंट जो है वो सारा का सारा कॉपी नहीं हो सकता इसलिए ज़्यादा बेहतर है 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 बेटा आप आप इसको इसको जो जो सिंपल लेके वो कर लें और जो आपको अलाउ करते हैं पी में वहां से पीडीएफ में आप फाइल डाउनलोड कर लें ये स्क्रीन के थ्रू आपने लेना है कॉपी पेस्ट ये नहीं होगा अच्छा जी आपने कहा है जब वर्ड की फाइल बिल्कुल जब आप उस पर कंप्लीट काम कर लें वर्ड की फाइल पे तो उसके बाद उसको सेव एज पीडीएफ में कन्वर्ट करके क्लाइंट के साथ शेयर कर दें ठीक है अगर किसी की की प्रोफाइल अप्रूव नहीं हुई तो मुझसे कांटेक्ट कर लें ओके जी इनसे आप कांटेक्ट कर लें अगर किसी की अभी तक तो अप्रूव नहीं हुई है जी करवा देंगी ये बिल्कुल अच्छा जी मैडर टाइटल क्या होता है मैदर टाइटल क्या होता है बेटा मैडर टाइटल आपकी वेबसाइट की जो मेन हेडिंग होती है उसको हम मैडर टाइटल कह रहे होते हैं जो कि सर्चेज में शो हो रही होती है और ये मैं आपको आगे फर्दर बताती हूँ बेटा सारी चीजें बताऊंगी वन बाय वन बताऊंगी और इनशाला आपको ये चीजें समझ में भी, भी आएंगी अच्छा जी आपने कहा मैम YouTube चैनल की भी एस हो सकती है बिल्कुल होती है जी और मैं मैंने शुरू में भी टॉपिक के बताया था कि एस का टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना सिर्फ उन लोगों के लिए जो ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रहे हैं या ना सिर्फ उन लोगों के लिए जो बिजनेस वेबसाइट्स को रन कर रहे हैं बल्कि आप में से वो बच्चे जो कि अपनी यूट्यूब चैनल्स को रन कर करें या किसी भी प्लेटफॉर्म पे ऑनलाइन काम कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आप सबके लिए इसमें कुछ ना कुछ है अगर आप फ्रीलांसिंग करना चाह रहे हैं आप अपना इंडिविजुअल लेके चलना चाह रहे हैं आप यूट्यूब चैनल क्रिएट करना चाह रहे हैं उस हवाले से अच्छा जी मैम लैपटॉप स्क्रीन का स्क्रीन कैसे लेते हैं आ, बहुत सिंपल है वैसे तो यहाँ पर यह आपको बता भी दिया है इन्होंने लेकिन हर लैपटॉप का थोड़ा सा चेंज होता है आपका जो भी लैपटॉप है ठीक है उसकी आपको आ, अगर आप उसको सर्च करो कि आपका लैपटॉप कौन सा लैपटॉप है एचपी का है डेल का है या समथिंग अदर है कुछ और है किसी और ब्रांड का है तो उसमें वो उसका सिस्टम uh, की जो इंफॉर्मेशन uh, होती है लैपटॉप की अगर आप उसको लेके के यूट्यूब पे सर्च करोगे कि उस सिस्टम में से कैसे लेते हैं तो उसमें वो आप ही के सिस्टम के वो सारी सारी या तो आपको ऑनलाइन इंफॉर्मेशन मिल जाती है या फिर तो आपको यूट्यूब पे उसकी वीडियो मिल जाती है हाउ टू टेक स्क्रीन ठीक है और इवन अगर विंडो यूज करें तो आपके पास स्नैपन टूल भी होता है जिसके थ्रू आप वो स्क्रीन ले सकते हैं बहुत सारी चीजें हैं जिसको आप लोग जो है वो कर सकते हैं इवन अगर आप कंट्रोल आ, सी करते हैं या साथ में कंट्रोल आ, और उसके साथ साथ जो है आ, प्रिंट स्क्रीन का बटन प्रेस करके उसके अलावा पेंट का जो ऑप्शन होता है उस पर कंट्रोल वी करेंगे तो वो स्क्रीनशॉट आ जाएगा आपके पास ये भी है बिल्कुल जी आपके पास ऐसे ही बहुत सारे टूल्स भी हैं जिनके थ्रू आप स्क्रीन रिकॉर्डेड या स्क्रीन शॉट ले सकते हैं आप वो भी कर सकते हैं लेकिन ये सारे चीजें करने से बेहतर है आप अपने सिस्टम में जो विंडो का एक ऑप्शन है वहां से आप कर लें उसके अलावा आपके पास जो कीज हैं इन कीज को प्रेस करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तो ये ले लें क्योंकि अगर आप सॉफ्टवेयर करते हैं तो सॉफ्टवेयर में मुझे जो सबसे ज्यादा इश्यू होता है कि आपकी विंडो में जो है अगर उसमें कोई वायरस वगैरह होगा तो आपके सिस्टम में वायरस आ जाता है तो उससे भी आपको ज्यादा इश्यूज फेस करना पड़े होते हैं आप एस प्रोफाइल बनाने में गाइड करेंगी अः एस प्रोफाइल एस प्रोफाइल मतलब बिल्कुल जी आप लोग ये कर सकते हैं अच्छा जी uh, ये काफी सारी चीज आपको हेल्प मिल गई है uh, लेकिन बेटा आप मुझे ये बताओ ये आपने जो आपने बात की है प्रोफाइल बनाने में एस फाइल कौन सी होती है मैंने आपको एस की गिग बनाना बता दूंगी कि आप किस तरह से बना सकते हैं चीजें वगैरह और जो मैं चीजें साथ साथ भी आपके साथ शेयर कर रही हूँ बाकी आपको इंफॉर्मेशन जो है और इसके हवाले से हर चीज जो है वो गाइड करूंगी आप उसको देख सकते हैं ओके okay, बिल्कुल जी मैं आपको गिग क्रिएट करने के हवाले से बिल्कुल आप लोगों को बताऊंगी कि किस तरह से आप लोग एस की गिग क्रिएट कर सकते हैं जी मुझे भी थोड़ा सा लग रहा था कि ये इसी के हवाले से बात करें एस की गिग के हवाले से तो बेटा मैं आपको ऑन पेज कवर करवाने के बाद ऑन पेज की गिग और ऑफ पेज कवर करवाने के बाद ऑफ पेज की गिग जो है वो क्रिएट करवा दूंगी नो इश्यू ओके बाकी जो है आप लोगों का यहाँ पर एस रिपोर्ट का जो इश्यू था वो तो आई थिंक आप लोगों को आइडिया हो गया है कि किस तरह से आप लोग क्रिएट कर सकते हैं उसको और ये सर्विसेज भी कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं नेक्स्ट हम आते हैं एस सी रिसर्च के बारे में कीवर्ड्स जो हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं एस में

ब्रांड आपकी वेबसाइट तो शो हो रही होती है लेकिन वो आपका ब्रांड नेम से नहीं होते हैं ब्रांडेड की वर्ड क्या है जैसा अब यहाँ पे अगर आप देखें तो बहुत ऑनलाइन शॉपिंग लिखते हैं तो आपके साथ आ जाता है दराज दराज ऑनलाइन शॉपिंग एक ब्रांड है जो कि अपनी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं बहुत सारे लोग ब्रांडेड की वर्ड यानी कि दराज लिख के भी सर्च कर रहे हैं दराज ऑनलाइन स्टोर भी लिख के सर्च कर रहे हैं दराज पाकिस्तान लिख के भी सर्च करें बहुत सारे लोग ऑनलाइन शॉपिंग इन पाकिस्तान लिख के सर्च करें तो ब्रांडेड और नॉन ब्रांडेड कि आप एक नाम के साथ खाडी का नाम लिख के लोग सर्च कर रहे होते हैं को, तो, एक है। तो आप अगर लॉन्ग टेल की होते हैं जो मोर देन थ्री वर्ड्स होते हैं वो लॉन्ग टेल की होते हैं थ्री और मोर देन थ्री वर्ड्स का जो वर्ड होते हैं जो हम की यूज करते हैं उनको लॉन्ग टेल की कहते हैं और शॉर्ट टेल की कौन से होते हैं जो सिंगल uh, और टू वर्ड्स uh, पर जो हमारे कीवर्ड्स uh, होते हैं, उनको हम कीवर्ड्स कहते हैं अब आपको uh, खुद इस चीज का थोड़ा सा मैंने ये तो बता दिया शॉर्ट टेल क्या होते हैं लॉन्ग टेल की कौन से होते हैं अब आपने इन की को सर्च करने के लिए क्योंकि मैं आपको इस हवाले से थोड़ा सा पहले भी बता चुकी हूँ की रिसर्च के हवाले से तो यहाँ पे मैंने कुछ टूल्स आपके साथ जो है वो पहले भी शेयर किए थे एक तो उबर सजस्ट टूल है जो कि मैं बहुत ज्यादा रिकमेंड करती हूँ उसके अलावा गूगल एडवर्ड का जो है, है कीवर्ड प्लानर है जिसको आप लोग यूज कर सकते हैं और words टीम डॉट कॉम के नाम से एक वेबसाइट है जहां पर जाके आप लोग फ्री में टूल्स जो है वो सर्च कर सकते हैं और यहाँ पे भी आपके पास एक तो जिस तरह से अगर आप देखें फॉर एग्जाम्पल बाइक लिखा हुआ है बाइक्स एंड देन यहाँ पर कीवर्ड आ रहे हैं यहाँ पे सर्च वॉल्यूम आ रहे हैं पीपीसी आ रहा है और कॉम्पिटिशन आ रहा है पीपीसी क्या होता है कॉस्ट पर क्लिक है कॉस्ट पर क्लिक किसकी जो कि आप लगाते हो आपने अपनी वेबसाइट का जो है एड रन करवाना है तो उस पर आपने अपने कीवर्ड देने होते हैं और देन आपका वो उस पर एड रन करते हैं और आपके जो पैसे होते हैं उस पर जो चार्ज वो कर रहा होता है वो आपके कीवर्ड्स पे कर रहा होता है तो ये सारी चीजें हैं जिनको आप लोग जो है इसमें डिफाइन कर सकते हैं ऐड कर सकते हैं ओके okay, अब यहाँ पर अगर आप देखें तो मैंने फॉर द टाइम जो है यहाँ पर आ, अभी जो एक वेबसाइट यहाँ पे सर्च किया जिसके करने के लिए मैंने सिंपल उसका लिंक ऐड किया उसकी इंडस्ट्री में मेरे पास उससे रेलिवेंट जो है वो कोई ऐसे ऑप्शन नहीं आ रहा था इसलिए मैंने ऐड नहीं की और मैंने कंट्री ऐड कर दी अब यहाँ पे अगर आप देखें तो इसके जो पेजेस थे इसमें जो कीवर्ड्स uh, वर्ड्स और कॉन्टेंट यूज हुआ हुआ था उसको uh, फिल्टर करते हुए उसको स्कैन करते हुए यहाँ पर जो है इससे रेलिवेंट की यहाँ पर अगर आप देखें फर्दर तो यहाँ पर इसका कॉम्पिटिशन आ रहा है यहाँ पर इसका पीपीसी शो हो रहा है इस पर सर्च वॉल्यूम शो हो रहा है तो इस तरह से जो है वो आपके पास भी ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो आ जाएगी आप इसको जो है इसको यूज कर सकते हैं उसके अलावा अगर आप यहाँ पर देखें फॉर द टाइम यहाँ पे शो हो रहे हैं ट्वेंटी फाइव कीबर्ड जबकि 330 हंड्रेड थर्टी जो हैं वो आप यहाँ पे ईमेल करवा सकते हैं ईमेल कर सकते हैं और वहां से भी चेक कर सकते हैं आप आईडी के के लिए तो सारे के सारे और उसका साथ साथ एनालिसिस उसके अलावा यहाँ पर आपको मैंने ऊबर सजेस्ट टूल के हवाले से बताया था गूगल जो है कीवर्ड प्लानर आप उसको यूज कर सकते हैं उसके हवाले से काफी सारी चीजें मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ इसलिए मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रही हूँ कीवर्ड्स के टॉपिक पे बाकी आप लोग के पास यहां पे एक और टूल है यहाँ पे अगर आप देखें के डब्ल्यू फाइंडर के नाम से है के डब्ल्यू फाइंडर डॉट कॉम है कीवर टूल्स डॉट आई ओ है इस, इसको भी आप यूज कर सकते हैं इन दो टूल्स को भी और इसमें एक और चीज है मुझे ऐसे याद नहीं है लेकिन ये दोनों ओके okay, फाइन ये वाला जो टूल है यहाँ पे की टूल जो है डॉट आई ओ यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पर गूगल के लिए भी है यूट्यूब के लिए अगर आपने की बर्ड फाइन करने तो आप यहाँ पर लिख के जो है वर्ड उसके अलावा यहाँ बींग एमजोन ईबे प्ले स्टोर इंस्टाग्राम ट्विटर उसके लिए जो भी आपने की वर्ड फाइन करने यहाँ पे डिफरेंट प्लेटफॉर्म के लिए जो है वो भी आपके पास यहाँ पर आ रहा होता है तो आप इसको यहाँ से भी देख सकते हैं तो एक अच्छी वेबसाइट है wkfindit भी एक अच्छी वेबसाइट है यहाँ पे भी आप लोग जो है वो कीवर्ड वगैरह फाइंड कर सकते हैं लॉन्ग टेल कीवर्ड्स विद लो डिफिकल्टी तो वो आप यहाँ से फाइंड कर सकते हैं इवन बहुत सारे कीवर्ड्स ऐसे भी होते हैं जिस पे आपकी सर्चेज बहुत अच्छी होती हैं कंपटीशन जीरो भी हो सकता है और कंपटीशन मैटर नहीं कर रहा होता uh, कुछ की पे अगर आपके उस पर जीरो आ रहा है तो वो अगर सर्चेज आ रही हैं उस पर आप उस पे जरूर काम करें बेशक उसका कंपटीशन जो है वो बिल्कुल जीरो हो वो मैटर नहीं करेगा क्योंकि हमें तो रिजल्ट चाहिए हमें तो ट्रैफिक चाहिए अगर एक कीबर्ड पे ट्रैफिक अच्छी ट्रैफिक आ रही है तो आप उसको यूटिलाइज करें उसको जरूर यूज करें अच्छा जी यहाँ पे बेटा <laughs> जब आप एस यू की सर्विसेस दे रहे हैं या आपने ऑडिट रिपोर्ट की सर्विसेस दे रहे होते हो या फिर आप फिक्स करने की एरर की सर्विसेज दे रहे होते हो आपने पहले तो डिफाइन कर देना कि आप क्या काम कर रहे हो आप सिर्फ रिपोर्ट बना के दे रहे हो आप एस से रेलिवेंट जो है वो ये ये चीजें करके दोगे या फिर आप उसमें एरर भी सॉल्व करके दोगे अब एरर जो एस के एंड पे होते हैं आपके एंड पे यानी कि एज ए ऑप्टोमाइजर वो आपने सॉल्व करने होते हैं जो कोडिंग के होते हैं वो डेवलपर सॉल्व करता है अगर आपको कोडिंग नहीं आती है आपने सिर्फ बताना है कि कोड का जो इशू है ये इश्यूज आ रहे हैं ये आप अपने डेवलपर से ठीक करवाएं तो वो अपने डेवलपर से ही करवाएगा जिससे उसने वेबसाइट बनवाई होती है तो वो आपके एंड पे नहीं होती है चीजें बाकी कुछ जो वर्डपर्स की वेबसाइट होती हैं उन पे प्लगइन्स के थ्रू वो इशू सॉल्व हो जाते हैं वो आप कर सकते हैं बिल्कुल इसी तरह से जी हम क्लाइंट को तो सिर्फ तो उसकी डिटेल दे रहे होते हैं जो उसके वेबसाइट पर एरर वगैरह आ रहे होते हैं उसको सॉल्व करना जो है या फिर उसका सोलूशन जो है अगर वो हमसे मांगता है या हम वो सर्विसेज देते हैं देन हमने प्रोवाइड करना होते हैं बाकी हम सिर्फ और सिर्फ उसको जो है वो हाईलाइट करवा रहे होते हैं बता रहे होते हैं कि ये ये इशूज है आपकी वेबसाइट पे सॉल्व करके नहीं हम लोग दे रहे होते हैं Uh, बिल्कुल मैं इसको सिलेक्ट करूंगी यहाँ पे जो टेन आपके पास आ रहा है सर्च वॉल्यूम और कॉम्पिटिशन हाई आ रहे है मीन्स कि इन कीवर्ड्स पे जो है बेशक कंपटीशन कम है लेकिन uh, इसपे सर्चेज जो है वो uh, सर्चेज बेशक कम है लेकिन कंपटीशन ज्यादा है बहुत सारे लोग इन, 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 इस पे जो है वो काम करें इन पे और ये जो आ, सर्च है सर्च वॉल्यूम है ये भी कोई कम नहीं है बेशक हाँ पे नंबर आ, नंबर ऑफ टेन शो हो रहा था लेकिन जबकि काफी ज्यादा ट्रैफिक जो है इस पे आ रही होती है अगर आप इसको इन कीबर्स को किसी और प्लेटफॉर्म पे देखोगे तो वहां पे इसका सर्च वॉल्यूम डिफरेंट आ रहा होगा लेकिन कंपटीशन ऑब्वियसली इसका हाई आ रहा है क्योंकि ये आ, मीडियम या हाई वॉल्यूम के ही कीवर्ड्स हैं मोस्टली लोग इनको सर्च कर रहे होते हैं काफी बड़े कीवर्ड्स हैं उसके साथ साथ कुछ ऐसे कीवर्ड्स भी होते हैं जैसे कि मैं आपको बताती हूँ यहाँ पर जो कि किसी भी वेबसाइट पे जो है अगर कोई भी पर्सन उसको लिख रहा होता है या उसको डिफाइन कर रहा होता है ऑब्वियसली उस पर वो उस चीज को फर्दर जो है उस पर काम करना चाह रहा होता है और उसको आगे फर्दर लेके चलना चाह रहा होता है जो कि बिजनेस कीवर्ड्स होते हैं जैसे कि ऑनलाइन बाय ऑनलाइन ऑनलाइन मोबाइल फोन इस तरह के जो हैं या क्लोथिंग के हैं विंटर कलेक्शन है और उसमें बाय ऑनलाइन क्लोथ्स हैं इस तरह के वर्ड जो कि अगर कोई भी पर्सन अगर यूज कर रहा होता है ऑब्वियसली वो कुछ ना कुछ बाय करना चाह रहा होता है ऑनलाइन तो वो बिजनेस की हैं सर्विसेज से रिलेटेड हो सकते हैं आप अगर वेब डेवलपमेंट की एस की सर्विसेज दे रहे हैं तो ये की कोई भी सर्च करेगा तो ऑब्वियसली वो वो उस, उस चीज को लेने में बिलिंग होगा इस बिजनेस में इंटरेस्ट रखता होगा देन ही वो उनको सर्च कर रहा होता है तो इस तरह के की भी आप जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं अगर आप यहाँ पर देखें तो मैंने ये यूट्यूब के लिए सर्च किया था तो यहाँ पे उससे रेलिवेंट जो कीवर्ड यूज हो रहे होते हैं वो यहाँ पर आ गए हैं काफी अच्छी वेबसाइट है ये भी यहाँ से भी आप आके जो है वो कीवर्ड्स जो है वो सर्च कर सकते हैं ओके okay, अब यहाँ पर uh, मैं अगेन कुछ चीजें जो, uh, के के जो है हो है है गए हैं और हमारा लास्ट मंथ चल रहा है और इसमें जो है वो आप लोगों ने अपनी जो भी आपके लिंक है काइंडली uh, वो भी मुझे सबमिट करवा दें आप में से जिन बच्चों के अभी तक स्टिल नहीं हुए हुए कोशिश करें कि आप लोग एक से दो दिन में जो है वो आप लोग अपनी प्रोफाइलिंग uh, मुझे सबमिट करवा दें उसके अलावा जो आप लोगों में से वो बच्चे जो अर्निंग कर रहे हैं फ्रीलांसिंग कर रहे हैं फ्रीलांसिंग uh, अगर आप किसी प्लेटफॉर्म के थ्रू कर रहे हैं देन और अगर आप किसी डायरेक्ट क्लाइंट के साथ काम कर रहे हैं बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो जिनके थ्रू फेसबुक उनको क्लाइंट्स मिल जाते हैं या किसी और प्लेटफॉर्म के थ्रू uh, जो है वो क्लाइंट मिल रहा होता है जो आपने ड्यूरिंग कोर्स की है वो उसकी डिटेल जरूर शेयर करें Uh, और ये भी आपने मेरे साथ जो है वो आप लोग आज कल में आप लोग ये सारी डिटेल जो है वो शेयर कर दें uh, क्योंकि हमारा कोर्स जो है ऑलमोस्ट uh, जो हमारी uh, है मोर देन टू मंथ हमें हो गए हैं और इसमें आप लोग अपनी साइट से जो आपकी इंफॉर्मेशन है जो हमें रिक्वायर्ड होती है वो आप लोग शेयर कर दें अः uh, उसके अलावा यहाँ पर कल की क्लास में जो है मैं आप लोगों को मैडा टैक्स और इसमें ऑन पेज एस के हवाले से जो uh, कुछ और पॉइंट्स हैं वो कवर करवाऊंगी और उसके साथ साथ मैं अभी एक पोस्ट ऐड कर रही हूँ ग्रुप में आप सब लोग जितने भी स्टूडेंट्स हैं आप लोगों ने अपनी uh, जो यहाँ पर अपनी ब्लॉग्स क्रिएट किए हैं वेबसाइट क्रिएट की हैं उनके लिंक जो है वो आप लोगों ने यहाँ पर ऐड कर देने हैं और कोशिश कीजिएगा वो लिंक ऐड करें जिसपे आपने काम किया हुआ है या करना है ना कि वो आप ऐड करें जो कि आपने बिल्कुल भी जिसपे काम नहीं किया ना जो सिर्फ आपने एक धमी या रेंडमली आप उसको क्रिएट कर रहे होते हैं तो उन चीजों पे थोड़ा सा जो है वो आप लोग देखिएगा ओके uh, okay, uh, अगर आप अपने किसी भी ब्लॉग या वेबसाइट को ऑप्टोमाइज़ uh, करना चाहते हैं उसकी एस वगैरह करना चाहते हैं तो इन, उसके थ्रू आप लोग भी कर सकते हैं रिपोर्ट वगैरह उसमें मैसेज को इशू नहीं है अच्छा जी कैसी इंफॉर्मेशन और अच्छा जी आपकी जो इंफॉर्मेशन होती है यहाँ पर अर्निंग uh, की इंफॉर्मेशन के बारे में जो बात मैं कह रही होती हूँ Uh, वो है आपने फॉर uh, एग्जांपल एक ऑर्डर कंप्लीट किया है वो uh, उस ऑर्डर की जो डिटेल होती है आपने कितने डॉलर में कम्पलीट किया है आपने हमारे ई रोजगार के जो डिफरेंट पेजेस हैं इवन हमारा जो ऑफिशियल ई रोजगार का पेज है वहां पे भी आपने देखा होगा हम बहुत सारे स्टूडेंट्स की इमेजेस uh, शेयर कर रहे होते हैं उनकी अर्निंग शेयर कर रहे होते हैं उसकी रीजन क्या है कि हम लोगों को बता सके कि हमारा ये जो कोर्स है इसमें अगर बच्चे जो सीख रहे हैं जो काम कर रहे हैं वो ये चीजें अर्न कर रहे हैं इस टाइम पे अर्निंग कर रहे हैं तो आप में से भी वो बच्चे जो माशाल्लाह से काम कर रहे करें जिन्होंने जिन कुछ भी अर्न किया है वो बेशक फाइव डॉलर्स हैं वो टेन डॉलर्स हैं फिफ्टीन है हंड्रेड है वो, वो जरूर शेयर करें ताकि हम आप लोगों को भी जो है वो आपको भी अप्रिशिएट कर सकें उसके अलावा बा बाकी स्टूडेंट्स के लिए जो है वो आप एज अ मोटिवेशन जो है उनको भी हम मोटिवेट कर सकें कि यहाँ पे हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू बच्चे जो है वो अर्निंग कर रहे हैं तो आप लोगों में से जितने भी बच्चे जो अर्निंग कर रहे हैं जो फ्रीलांसिंग कर रहे हैं वो अपनी अर्निंग्स उनके स्क्रीन शॉट जो है वो मेरे साथ और डिटेल शेयर करते हैं अपनी उसके अलावा आप में से वो बच्चे जिनके अभी तक प्रोफाइलिंग सबमिट नहीं हुए हुए वो अपनी प्रोफाइलिंग सबमिट करवा दें इस वीक में जो है ये अभी आप आज ट्यूसडे है थर्सडे तक जो है वो आप लोग सारी इंफॉर्मेशन शेयर कर दें मेरे साथ Uh, कल की क्लास जो है हमारी ऑन पेज एस के हवाले से होगी ऑन पेज एस सी ओ में uh, जो मजीद कुछ चीजें हैं वो मैं इनशाला कोशिश करूंगी कल की क्लास में कवर करवा दूँ ऑन थर्सडे जो है वो मैं आप लोगों को ऑन पेज एस की जो गिग है उसके हवाले से जो है मैं इनशाला आपको बताऊंगी कि किस तरह से आप वो क्रिएट कर सकते हैं ऑन पेज एस की सर्विसेज कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं उस हवाले से जो है इनशाला मैं आपको थर्सडे को जो है ये भी करवा दूंगी तो आप लोगों ने अभी फॉर द टाइम जो है जो चीजें मैंने आपसे कही हैं और मैं ब्लॉग्स जो आप लोगों ने क्रिएट किए हैं या वेबसाइट बनाई है उसका लिंक भी शेयर कर दीजिएगा मैं पोस्ट ऐड कर दूंगी आज ग्रुप में अः जिसपे आप लोग जो है अपना रिस्पॉन्स जो है वो आपने ऐड कर देना है ओके थ्री प्लेटफॉर्म की प्रोफाइल सबमिट करवानी है बिल्कुल जी तीन प्लेटफॉर्म uh, है जिनको मैंने आपको आपके साथ शेयर किया हुआ है फाइवर अपवर्क और फ्रीलांसर ये मैंने आपसे करवाई थी आपको ये प्लेटफॉर्म ड्यूरिंग क्लास तो आपने ही तीन प्लेटफॉर्म की जो है प्रोफाइल लिंक जो है वो सबमिट करवाने हैं uh, एक और चीज मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि सबसे पहले कोशिश करें कि आप सब जो है जिस तरह से मैंने सीक्वेंस वाइज आपको चीजें करवाई थी उसी तरह से आपका जो फाइबर का प्रोफाइल लिंक है वो होना चाहिए अपवक का और फ्रीलांसर का और उसके साथ साथ कोशिश करें कि आपकी ये प्रोफाइल एक्टिव हो यानी कि आपने सिर्फ प्रोफाइल बनाई भी है उस पर कोई भी डाटा वगैरह ना हो तो कोशिश करें कि आप अपनी जो एटलीस्ट फाइबर की प्रोफाइल है उस पर आपकी गिग वगैरह पब्लिश हो एक्टिव हो और आप उस पर काम भी करें ओके uh, okay, uh, हम टाइम को एडजस्ट करेंगे एंड देन मैं आपकी जो है जो अभी तक प्रोफाइल मैंने चेक नहीं की हुई है वो भी मैं चेक कर लूँगी और उसमें बाकी आप लोगों को कोई इस टॉपिक से रेलिवेंट कोई क्वेश्चन हो आज के टॉपिक से तो आप लोग जरूर शेयर करें बाकी इस पे काम कीजिएगा प्रैक्टिस कीजिएगा जो चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर की हैं और इससे रेलिवेंट कोई क्वेश्चन हो तो जरूर आप लोग शेयर करो uh, समटाइम ऐसे होता है कि मैं अपनी एंड से जो चीजें मेरे माइंड में आ रही होती हैं मैं उनको कवर कर रही होती हूँ लेकिन अगर आपके इन पे कोई सवाल है या आप के माइंड में चीज आ रही है मेरी साइड से शायद वो मैंने काउंट नहीं की बीच में ऐड नहीं कर रही होती हूँ तो आप आपको तो जरूर शेयर किया करें ताकि उस चीज को जो है ये प्लेटफॉर्म आपके लिए है आपको जो है वो बेहतर तरीके से हम चीज़ें गाइड करने की कोशिश कर रहे होते हैं तो अगर आप चीज़ें हमारे साथ शेयर करेंगे तो हम उसको बेहतर कर सकते हैं Uh, जी आप लोग अपने अनऑफिशियल या किसी भी अनऑफिशियल जो है या दूसरे जो ग्रुप्स होते हैं उनमें जाके आप लोग अपनी जो गिक्स हैं वो शेयर कर सकते हैं उसमें मैसेज कोई इश्यू नहीं है इवन आप लोग अपने व्हाट्सअप जो स्टेटस होता है वहां पे आप ऐड कर सकते हैं फेसबुक स्टेटस पे जो है वो आप अपनी गिक का लिंक शेयर कर दें उसमें मैसेज कोई इशू नहीं है और ये एक अच्छा वे है इवन आप जब भी गिग क्रिएट करते हैं तो उस पर ऑप्शन आ रहा होता है कि शेयर योर गिग अगर आप अपनी गिग की जो है वो ट्रैफिक uh, इंक्रीज करना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट वे है कि आप उस पर जो है उसको शेयर करें डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे लोग जो हैं वो आपकी गिग को व्यू uh, कर सकें और आगे फर्दर जो है उस पर क्लिक कर सकें uh, उससे जो है ये सबसे बेस्ट वे है आप उसको शेयर करो उस पर कोई ऐसे इश्यू नहीं है फर्दर uh, आप लोगों की जो प्रोफाइलिंग लेफ्ट हैं जिन बच्चों के वो प्लीज अपने प्रोफाइलिंग जो है वो यहाँ पे सबमिट करवा दें

इनशाला जो है अच्छे रिजल्ट मिलेंगे परेशान ना हो ट्राई करते रहें कोशिश करते रहें और फाइबर के साथ साथ किसी और पे भी मूव करने की कोशिश करें उन पे भी मेहनत करें अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे आ, हो जाता है बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे जिनके बहुत अच्छे क्लिक्स आ रहे होते हैं बहुत अच्छे इंप्रेशन आ रहे होते हैं गिस्स पे लेकिन ऑर्डर नहीं मिल रहा होता तो आई थिंक सो इसमें आपकी अपनी पर्सनल जो लक होती है वो भी इन्वॉल्व होती है तो थोड़ा सा करें से काम लें और इनशाला आपको ऑर्डर मिल जाएगा और फर्दर कोई भी आपका क्वेश्चन हो आप लोग इस वीडियो में जो है वो आप ऐड कर सकते हैं कमेंट आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं और फर्दर इंशाल्लाह कल की जो टॉपिक है वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं बहुत इम्पोर्टेंट क्लास है और जो चीज़ें मैंने आपको कही हैं आप लोगों में से वो बच्चे जो अर्निंग करें अपनी फ्रीलांसिंग करें डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे वो अपनी अर्निंग्स जो है वो मेरे साथ जरूर शेयर करें और उसके अलावा आप लोगों के जिन बच्चों के प्रोफाइलिंग रहते हैं पेंडिंग है वो प्लीज अपने प्रोफाइलिंग सबमिट करवा दें इन कल आप लोगों से मिलते हैं और लिए थैंक यू अलाफे